कंसोल पर आने के बाद में अलेक्सा डेमो क्लास जो हमारी एक स्किल है जिसपे हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं उसको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, उसको ओपन करने के बाद मैं एंड पॉइंट पर आ गया और एंड पॉइंट पे हमारा एक एनजी रॉक का एक लिंक लगा हुआ है जो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि वो कैसे करते हैं। अच्छा, काइंडली ये बताइएगा, हमने हरिको पे इसको डिप्लॉय करके देख लिया था या वो बाकी था? आई थिंक हमने कर लिया था हरिको पे डिप्लॉय। जी सर, कर ले दो। कोई आप में से किसी ने ट्राई किया ये जो हमने लास्ट क्लास में जो कवर किया था उसको करके देखा किसी ने? अगर इसमें कोई दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप मुझसे अभी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये इंटरेक्शन मॉडल में मैं आ चुका हूँ। हमारे पास एक नेम इंटेंट है जो हमने सबसे पहले बनाया था। उसमें ये होता था कि बंदा बोलता था कि यार व्हाट इज योर नेम, और उसके आगे रिप्लाई करता था अलेक्सा आपको कि भाई एक फिक्स नाम रिप्लाई कर देता था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में भी सिंपल इसी तरह था कि बंदा पूछता था यार व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, और वो उसको सीधा सीधा रिप्लाई कर देता था कि भाई ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है। अच्छा, फिर हमने उसके बाद बनाया था वेदर इंटेंट। वेदर इंटेंट में ये होता था कि बंदा पूछेगा कि व्हाट्स द वेदर, और वो उससे एक अदद पैरामीटर लेता था, सिर्फ एक पैरामीटर लेता था। फिर वो पैरामीटर लेके हम, यानी सिटी का नाम होता था वो पैरामीटर, उस पैरामीटर को लेने के बाद वो इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करता था। एक फ्री एपीआई हमने तलाश कर अच्छा, उसके बाद हमने वेदर इंटेंट बनाया था, उसमें यह था कि एक सिटी का नाम इनपुट लेते थे हम यूजर से, और वो सिटी का नाम लेके हम एक फ्री एपीआई हमने तलाश कर ली थी, वहां रिक्वेस्ट करते थे और वहां से हमें उसका रिस्पॉन्स मिल जाता था और हम वो यूजर को दिखा देते थे। फिर उसके बाद हमने बनाया होटल बुकिंग का एक इंटेंट बनाया। अच्छा, होटल बुकिंग के इंटेंट में हमने क्या मुख्तलिफ किया, उसमें हमने नई चीज ये की कि हम बजाय एक यूजर से इनपुट लेने के हम चार इनपुट ले रहे थे। ठीक है, ये चार से भी ज्यादा अगर हम चाहें तो हम ले सकते हैं, तो हम एक के बजाय हम तीन चार इनपुट ले रहे थे, और उसके बाद उस इनपुट को हम अपने कोड में उसको प्रिंट करवा लिया था जस्ट हमने। और अब आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, हम उसको डेटाबेस में फीड करने जा रहे हैं, राइट? अच्छा, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटाबेस जो है वो उसमें फीड जो करना है तो वो बनेगा कैसे। अच्छा, तो हम आ जाते हैं एक नए टैब में, और हम जो डेटाबेस इसमें यूज करेंगे वो करेंगे मोंगो डीबी। ठीक है, मोंगो डीबी, और मैं मोंगो डीबी डॉट कॉम पे चला गया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा साइन इन। ठीक है जी, ये मेरे पास साइन इन का ऑप्शन आ गया। अच्छा, मेरा क्योंकि इसमें पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैंने लॉग इन विथ गूगल कर लिया। अदरवाइज आप सब लोग क्या करेंगे, साइन अप का बटन प्रेस करेंगे। साइन अप का बटन प्रेस करते ही ये लंबा सा फॉर्म आ गया, इसको भर दें आप, या सिंपली मैं तो ये करता हूँ गूगल से कर लेता हूँ, तो साइन अप विथ गूगल भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उससे भी हो जाएगा, तो गूगल से ही आप इसको लॉग इन कर लें, ईजी है। सेम ईमेल पे आपके अकाउंट बना देता है। ठीक है जी, तो मैंने साइन अप पे क्लिक कर दिया तो मुझे ये लॉग इन अंदर करके ले आया। ठीक है, समझदार है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मेरे पास एक अदद यहाँ पे ना वो बना हुआ है, मेरे पास एक अदद क्लस्टर यहाँ पे पहले से बना हुआ है। अच्छा, क्लस्टर क्या चीज होती है बताता चलूँ मैं आपको। क्लस्टर जो है अंग्रेजी में कहते हैं गुच्छे को,
ठीक है, गुच्छा होता है ना किसी, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर बहुत सारे एक साथ लगे हुए होते हैं, तो उसको हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो जब आप mongodb.com पे आएंगे तो वहां पे आपके पास डेटाबेस नहीं बनेगा, आपके पास क्लस्टर बनेगा। ठीक है, तो एक क्लस्टर ये अलाउ करते हैं, उस क्लस्टर के अंदर जितने मर्जी आप डेटाबेसेस बना लें उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 जितने भी बना लें आप। अच्छा, तो आप जब शुरू में यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपके पास जो स्क्रीन खुलेगी वहां पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि क्रिएट अ क्लस्टर। ठीक है, मेरे पास नहीं, क्लस्टर 0 के नाम से एक क्लस्टर बना हुआ है पहले से। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि क्रिएट अ क्लस्टर का बटन आ रहा होगा, तो आप क्रिएट अ क्लस्टर करेंगे और वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फ्री वाले पैकेज पे आपने करना है, ये फ्री लिखा हुआ आ रहा है, फ्री और शेयर्ड, तो बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है अपने फ्री वाले पैकेज को सेलेक्ट करके और वो खुद ही क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं जरा ब्राउज कर लेता हूँ कलेक्शंस को, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरे अकाउंट से लॉग इन करके ना आपको क्लस्टर बनाना भी बता दूंगा एक बारी और। आई एम नॉट श्योर कि इससे पहले भी हमने ये पढ़ा है। अच्छा, इसमें तो काफी सारा डेटा है मेरे पास, तो मैं काम करता हूँ इस अकाउंट से लॉग आउट करके इस अकाउंट से लॉग आउट करके मैं दूसरे अकाउंट से लॉग इन करता हूँ और आपको मैं अभी मैं दूसरे अकाउंट से कैसे करूंगा इसको, तो लॉग इन क्लिक करते ही अंदर ले जा रहा है ये। अच्छा, मेरे पास एक ही अकाउंट लगा हुआ है इसलिए हो रहा है, तो मैं एक और लगा देता हूँ अकाउंट ताकि मुझसे वो पूछे, दो अकाउंट होंगे ना तो मुझसे पूछेगा वो। ओके, ये भी अच्छा है, आजकल ये नया आ गया, पासवर्ड डालने के बजाय ना ये करना होता है, फोन पे नोटिफिकेशन आता है आप उसको जस्ट यस प्रेस करते हैं और वो। अच्छा, 42, परफेक्ट यार, सही होता है, बंदा पासवर्ड डालने से बच जाता है। तो अब मेरे पास ना दो अकाउंट हो चुके हैं, तो मैं दूसरे वाले अकाउंट से अब लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ ताकि ना पहले से कुछ बना हुआ ना हो, आपको पता चल जाए बना कैसे वो। अच्छा सही है, अब इसने पूछ लिया दो अकाउंट है, तो मैं सेकंड वाले से चला जाता हूँ अंदर। अच्छा, इसमें भी एक क्लस्टर बना हुआ है लेकिन इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इस क्लस्टर को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करके दोबारा से बनाता हूँ। ठीक है, क्लस्टर 0 और मैंने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, योर क्लस्टर इज बीइंग शट डाउन, मैट्रिक्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर दिस। अब ये कितना टाइम लेगा इसको शट डाउन करने में? अच्छा, ये शट डाउन होने में कुछ वक्त ले रहा है। अच्छा, इतनी देर में अगर मैं दूसरा क्रिएट करने की कोशिश करूं तो क्या ये मुझे करने देगा? अच्छा, तो आप जब भी अपने अकाउंट को पहली दफा साइन अप करेंगे ना, तो आपके पास जो आएगा कोई क्लस्टर बना हुआ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्रिएट अ क्लस्टर, तो मेरे पास भी क्रिएट का बटन है, मैं इसको प्रेस करता हूँ नया क्लस्टर बनाने के लिए। अच्छा, तो ये आपसे पूछ लिया इसने। अच्छा, ये है भाई हमारा टियर। यार ये फ्री वाला किधर चला गया, गुम हो गया। ओके, ये डेडिकेटेड, मैं इसको मैं शेयर्ड करना पड़ेगा फिर मुझे फ्री वाला शो होगा। शेयर्ड कर दिया मैंने, बाकी किसी चीज को छेड़ने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने कहा कि अच्छा, मुझे ना ये फ्री वाला पैकेज शो नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम M0 नहीं, नहीं दे रहा ना, ये देखो, $9 है ये, $9 a month। नहीं उसके ऊपर, उसके ऊपर ओ गॉट इट,
गॉट इट, हाँ यही वाला मैं ढूंढ रहा था कि मुझे, थैंक यू सो मच। अच्छा तो हम शुरू से लेकर आखिर तक जरा देख लेते हैं कि बाकी चीजों में ये असल में पूछ क्या रहा है मुझसे। अच्छा, क्लाउड प्रोवाइडर एंड रीजन्स, असल में मोंगोडीबी का जो डेटाबेस होता है, मोंगोडीबी के पास खुद की मशीनें नहीं है अभी, तो मोंगोडीबी असल में डेटा आपका इन तीनों बड़े प्रोवाइडर्स में से किसी एक के पास सेव करता है। तो AWS बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, मैं इसी को यही छोड़ देता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रीजन्स लिखे हुए आ रहे हैं कि AWS में ये सारे रीजन्स आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, तो रीजन मैं कैसे सेलेक्ट करूँ? बाय डिफॉल्ट इसने मुंबई सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ से जो करीब तरीन है वो ये है, मुंबई। लेकिन मैं जो सर्वर मेरा जो है, ठीक है, मेरा सर्वर हरिको है इस वक्त, मुझे पता है ये बात। तो हरिको का सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है? वो यूएसए में पड़ा हुआ है, तो मैं उससे करीब तरीन तलाश करूंगा, क्योंकि मेरा डेटाबेस कहाँ से एक्सेस हो रहा होगा? मेरे सर्वर से। तो मैंने यूएस ईस्ट 1 को सेलेक्ट कर लिया, ताकि मेरा सर्वर, क्योंकि इस डेटाबेस को कभी मेरा क्लाइंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, मेरा क्लाइंट तो अलेक्सा से बात करेगा, अलेक्सा से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और सर्वर से डेटाबेस हिट होगा। तो मैं करीब तरीन देखा सर्वर से, यूएस ईस्ट 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, दोनों कर सकता हूँ, दोनों में से कोई भी कर लो, फर्क नहीं है। ठीक है, या एग्जैक्टली आपको पता है अगर कि हरिको का कहाँ लगा हुआ है, वो उन्होंने लिखा होता है डॉक्यूमेंट्स में, लिखा हुआ होता है कि अभी आप सर्च करेंगे कि हरिको का सर्वर कहाँ पे लगा हुआ है, तो वो आपको एग्जैक्टली पूरा एड्रेस दे देते हैं कि भाई यहाँ लगा हुआ है। फिर इनका भी आप सर्च कर सकते हैं कि भाई जो AWS का US East 1 है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, या US West 2 है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो जो करीब तरीन है आप उसको, कुल मिला के बात ये कि करीब तरीन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो पैकेजेस हैं जिसको टीयर कहते हैं, ये वो आपने सेलेक्ट कर लिया फ्री वाला। और उसके बाद ये जो सेटिंग है, एडिशनल सेटिंग के सेलेक्ट अ वर्जन, ठीक है, वर्जन आप चेंज नहीं कर सकते इसमें, जो फ्री वाला है उसमें ये सबसे लेटेस्ट रखता है और आपको वो चेंज करना अलाउ नहीं करता। जो फ्री जो प्लान है इनका, जो फ्री फॉर एवर है, उसमें आपको ये वर्जन चेंज करना अलाउ नहीं करते, ये कहते हैं भाई जो लेटेस्ट है हमारा वही आप इस्तेमाल करोगे। टर्न ऑन बैकअप, ठीक है, कि आप अगर चाहते हैं ये बैकअप लिया जाए तो वो भी आपको फ्री प्लान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और किस तरह के कुछ दूसरे फीचर्स हैं जो कि फ्री प्लान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो, हाँ, ये जो फ्री पैकेज इसमें मिलता क्या है आपको, इसमें आपको मिलता है 512 MB का स्टोरेज, MongoDB का डेटा जो स्टोर होगा आपका, वो स्टोरेज 512 MB मिलती है आपको। अच्छा, रैम जो मिलेगी आपको वो शेयर्ड होगी, और प्रोसेसर भी आपको मिलेगा जो शेयर्ड होगा, मतलब जिस प्रोसेसर पे आपका ये डेटाबेस काम कर रहा होगा उसी पे बाकी दूसरे लोगों के डेटाबेसेस भी उसी पे चल रहे होंगे। ठीक है, तो इससे होगा ये कि सम टाइम आपको थोड़ा सा कम अवेलेबिलिटी मिलेगी। अच्छा, नीचे कुछ इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस भी बताई हुई हैं, वो भी देख लेते हैं। 500 मैक्सिमम कनेक्शंस, कि एक वक्त में आपके डेटाबेस से ना 500 सर्वर्स कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास तो एक ही सर्वर है फिलहाल, तो हमारे प्रॉब्लम नहीं है कोई, तो 500 एक वक्त में कनेक्शन बन सकते हैं साइमल्टेनियस एक वक्त में। अच्छा, लो नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये पता नहीं क्या बात लिखी है, 100 मैक्स डेटाबेसेस। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था भाई, वन क्लस्टर आपको अलाउ करता है फ्री में ही, उस क्लस्टर के अंदर आप जितने भी डेटाबेस बना लें उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे देखा कि इसकी भी लिमिट है, कि 100 आप मैक्सिमम डेटाबेसेस बना सकते हैं इसमें, उससे ज्यादा नहीं बना सकते फ्री प्लान में। जाहिर है पेड प्लान में फिर आपको वो लिमिट खत्म कर देंगे। 500 मैक्सिमम कलेक्शंस। अच्छा, कलेक्शंस क्या होती है? जो सीक्वल के बैकग्राउंड से लोग हैं वो उसको समझे टेबल्स हैं, कि डेटाबेस में जितनी टेबल्स बनती है ना, तो 500 टेबल्स बन सकती हैं इस प्लान में। ठीक है, उससे ज्यादा अगर बनेगी तो इस प्लान में आपको अलाउ नहीं करता। तो ये कुछ डिटेल्स है, हमने सोचा कि उसको भी देख ली जाए। अच्छा जी, अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे है नाम, सही है। मैंने कहा कि भाई इसका नाम रख देता हूं मैं टेस्ट क्लस्टर, CLUSTER। ठीक है, टेस्ट क्लस्टर 1 2 3 मैंने नाम रख दिया इसका, क्रिएट का बटन दबा दिया। अच्छा जी, जैसे ही मैंने क्लस्टर क्रिएट किया, इसने कहा कि हाउ वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट योर कनेक्शन। मिसाल के तौर पे जब भी कोई बंदा मेरे डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहेगा, तो
वो किस तरह से कनेक्ट होगा। तो मैंने कहा उसको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड दूंगा मैं, ठीक है, उसके जरिए कनेक्ट होगा। तो ये मेरा डेटाबेस यूजर बन रहा है, ठीक है, ये मेरे पूरे अकाउंट का पासवर्ड नहीं होगा, ये मेरे जस्ट एक डेटाबेस का पासवर्ड होगा जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई यूजर 123 और इसका पासवर्ड भी मैंने यही लगा दिया, यूजर 123, ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। और मैंने कहा क्रिएट यूजर, ठीक है, एक पहले से था, एक और बन गया, एक पहले से भी बना हुआ था। अब पहले से ये इसलिए बना हुआ था कि पूरे सिस्टम में मेरे यूजर्स थे पहले भी, तो इसलिए एक पहले से बना हुआ रहा था, ठीक है। आपके केस में जो आप बनाएंगे वही होगा। अच्छा, तो यूजर 123 मैंने इसका यूजर नेम रख दिया। अच्छा, उसके बाद वेयर वुड यू लाइक टू कनेक्ट फ्रॉम, कि आपका जो डेटाबेस है वो किस कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, उसकी आईपी ये बोलते हैं कि आप लगा दो। अच्छा, अगर मैं इस कंप्यूटर की बात करूं तो मैं ऐड माय करंट आईपी करूंगा ना, तो देखो ये मेरे पीसी में जो अभी जो आईपी थी वो उठा के इसने लगा दी। अगर मैं लिखूंगा ना व्हाट इज माय आईपी, ठीक है, तो ये मेरी आईपी इसने बता दी कि भाई आपकी आईपी इस वक्त ये, तो लेकिन मुझे ये नहीं लगाना रिमूव। अच्छा, मैं क्या लगाऊंगा, ये लगा दूंगा 4x0/0। इसका मतलब होता है कि कहीं से भी मेरा डेटाबेस कनेक्ट किया जाए तो आपको उसको कनेक्ट होने देना है, ठीक है, आपको उसको मना नहीं करना। तो हम जब ये पूछेगा हमसे कि भाई किस कंप्यूटर से ये डेटाबेस कनेक्ट होगा, किस आईपी से होगा, तो हम ये वाला लगा के एंटर कर देंगे। अच्छा, ये मेरे पास एंट्री पहले से आ रही है क्योंकि ये पहले से मेरा अकाउंट मौजूद था। आपके पास ये एंट्री नहीं आ रही होगी, आपको यहाँ पे ये टाइप करना पड़ेगा 0.0.0.0/0, ठीक है, ये आपको ऐसे टाइप करके और एड एंट्री का बटन प्रेस करना होगा। अच्छा, फिनिश एंड क्लोज, गो टू डेटाबेस, ठीक है जी, ये मैं डेटाबेस में अब आ चुका हूँ। अच्छा, डेटाबेस में जब मैं गया हूं अब, तो मैं कनेक्ट का बटन प्रेस करूंगा और कनेक्ट का बटन प्रेस करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि भाई कनेक्शन मेथड क्या होगा आपका, ठीक है। तो मैंने कहा मैं अपनी एप्लीकेशन से इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, जो मेरी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है, तो मैंने सेंटर वाले पे क्लिक कर दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करें, आप जो है ना ये लिंक है ये ले जाए आप, इससे कनेक्ट हो जाएगा। मैंने कॉपी किया और मैंने कहा कि भाई, अच्छा ये मुझे लिंक तो इन्होंने दे दिया, ये मुझे लिंक कनेक्शन का मिल गया। ऑन अदर हैंड अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी एप्लीकेशन में ना इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ कोड लिखना है मुझे। अब वो कोड लिख लेते हैं हम थोड़ा सा आगे। ओपन, अच्छा जी, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने ये कुछ कोड यहाँ पर शेयर किया था, वो भी कोड जरा देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है। मेरा ख्याल है ये कोड हम फ्रॉम स्क्रैच लिख लेते हैं, ये मैं डिलीट कर देता हूँ ये पूरा फोल्डर, ये जो क्लास इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो इसमें 3 जो आ रहा है कस्टम एंड पॉइंट, ये वो कोड है जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था, राइट। तो मैं इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ और इसी की कॉपी बना के मैं क्या करता हूँ, सारी चीजों को फ्रॉम स्क्रैच लिखते हैं, ठीक है। और मैं इसमें क्या कह देता हूँ, होटल बुकिंग मोंगोडीबी, अलेक्सा होटल बुकिंग मोंगोडीबी, ठीक है। होटल बुकिंग एक ऊपर भी है और यहाँ पे भी एक होटल बुकिंग है। अच्छा, तो अब इसमें जाके मैं क्या करता हूँ, अच्छा इतने कोड को पहले मैं कमिट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पूरा फोल्डर कॉपी किया ना, तो मैंने पूरा फोल्डर कॉपी किया है तो मैं कमिट कर देता हूँ ताकि मैं बाद में फिर जो चेंजेस करूँ मुझे प्रॉपरली दिखेगा। अच्छा, अब मुझे सबसे पहला काम ये करना है इस अपने कोड में कि मुझे एक अदद लाइब्रेरी चाहिए, राइट, मुझे एक अदद लाइब्रेरी चाहिए जिसके जरिए मैं डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा अपने अपनी एप्लीकेशन से। अच्छा, तो लाइब्रेरी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मोंगोस, ये वो लाइब्रेरी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटर किया मैंने इसके ऊपर। अच्छा जी, तो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से होगा ये। अच्छा, मैंने कहा भाई रीड द डॉक्यूमेंट्स।
अच्छा यहाँ पे जो क्विक स्टार्ट लिखा हुआ है, क्विक स्टार्ट पर गया, इन्होंने कहा भाई इस तरह से ये इंस्टॉल होगी लाइब्रेरी, तो मैंने कॉपी किया इसको कमांड को पूरी को, और मैं यहाँ पे आके, अच्छा इस वक्त मैं कौन से जगह पे मौजूद हूँ, मैं प्रोजेक्ट के रूट पर हूँ, तो मुझे प्रोजेक्ट के रूट से कहाँ आना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा 03 वाले पे, 03 अलेक्सा, उसके बाद CD 04 होटल बुकिंग MongoDB। यहाँ पर आके मैंने कहा npm i mongos, ठीक है, माइनस माइनस सेव जो है वो अब ऑप्शनल है, अगर आप लगा दें तो सही है, ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट माइनस माइनस सेव लगा हुआ ही होता है इसमें इस वक्त। अच्छा जी, लाइब्रेरी मेरी इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद इन्होंने कहा भाई आपको ना रिक्वायर करनी है ऐसे करके। अच्छा हम चूंकि नया वाला Node.js पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं फाइल का नाम रखते हैं .mjs, ठीक है, पहले होता था .js, तो इसमें अब ये रिक्वायर वाला सिंटेक्स पुराना हो चुका है, तो हम नए सिंटेक्स से इसको क्या कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा मोंगोस और मोंगोस, ठीक है, ये नए वाले सिंटेक्स से मैंने रिक्वायर कर लिया इसको, सेम चीज यहाँ पर भी है, थोड़ा सा लिखने का अंदाज फर्क है, और कोई मसला नहीं। अच्छा ये हो गया जी, अब मुझे इसको करना है कनेक्ट, मोंगो को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट तो कर लिया। अच्छा इसको कनेक्ट करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा मोंगोस डॉट कनेक्ट, ठीक है, और मोंगोस डॉट कनेक्ट के बाद में यहाँ पर इसको वो URL दूंगा, जो URL कहाँ से मुझे मिला है, जो यहाँ से मुझे मिला, मैंने कनेक्ट का बटन प्रेस किया सेंटर वाले पे, ये URL मुझे मिला, ये पूरा URL में क्या कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा इस URL में आप देखें यूजर नेम और पासवर्ड की जगह खाली छोड़ा हुआ है इन्होंने, तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड की जगह क्या करूंगा, यूजर 123 जो मैंने रखा था वहां पे, यूजर 123 यही रखा था मैंने, पासवर्ड और यूजर नेम भूल गया हूँ, देख लेते हैं जाकर कहां से आएगा वो एक्सेस, ये एक्सेस है ना डेटाबेस का, यहाँ पे से आएगा, ठीक है, यूजर 123 रखा था मैंने, तो यूजर 123 सही आ गया। अच्छा तो भाई जनाब ये क्या हो गया, कनेक्ट हो गया मेरे पास। अच्छा अभी ये कनेक्ट हुआ नहीं है, जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो एग्जैक्टली ये जब कनेक्ट होगा, अभी कनेक्ट नहीं हुआ ये, ठीक है जी। अच्छा अब नोट कीजिएगा यहाँ पे लास्ट में एक डेटाबेस का नाम लिखा हुआ है, माई फर्स्ट डेटाबेस, राइट, तो ये मेरे डेटाबेस का नाम होगा, तो मैं अपने डेटाबेस का नाम ये नहीं रखना चाह रहा, ठीक है, डेटाबेस में इम्प्लिसिट क्रिएट हो जाता है, मैं क्रिएट नहीं करूंगा, खुद ही क्रिएट हो जाएगा, जो नाम होगा उसी नाम से मैं रखना चाह रहा हूँ, अलेक्सा क्लास DB, ठीक है, मैं ये इसका नाम रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये नाम रख दिया अलेक्सा क्लास DB, ठीक है जी, तो इस नाम को मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको नाम को मैं यही रखूंगा, और इसी नाम से फिर डेटाबेस क्रिएट होगा मेरे पास। अच्छा अब जब ये कनेक्ट होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, मोंगोस डॉट ऑन, ठीक है, ऑन कनेक्टेड, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, मोंगो DB इज कनेक्टेड, ठीक है, अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने ऑन की जगह नाउ लिख दिया, ठीक है, और मैंने कहा ऑन एरर पे MongoDB एरर मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो ऑन कनेक्टेड और ऑन एरर दोनों को मैंने हैंडल कर लिया, ताकि मुझे पता चलता रहे कि भाई मेरा जो MongoDB है वो कनेक्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। अच्छा इसको अब मैं रन कर लेता हूँ, मैंने कहा npm run dev, ठीक है, ये npm run dev कहाँ से चला, अच्छा ये मैंने शायद कोई सिंटैक्स में मिस्टेक कर दी है, मैं डॉक्यूमेंट से देखता हूँ कि ये सही सिंटैक्स क्या है इसका। अच्छा डॉक्यूमेंट्स में मैं कहाँ पर देखूंगा, कनेक्शन के अंदर चला जाऊंगा, यहाँ पे ये कनेक्शंस में मुझे पता चल जाएगा कि कैसे करके होता है ये। कनेक्शन इवेंट्स,
अच्छा यहाँ पे इन्होंने कोड एग्जांपल इसका नहीं बताया हुआ है, सिर्फ ये बताया हुआ है कि कनेक्टेड करके आपको एक इवेंट मिलेगा और एरर करके भी आपको एक इवेंट मिलेगा। अच्छा उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये सारे भी आप इवेंट्स पकड़ सकते हैं, बट इसने मुझे क्या बोला है कि मोंगो सर ये एरर वाला डॉक्यूमेंटेशन ऊपर गया था यहाँ पे ऊपर है सर अभी। जी सर थोड़ा डॉट ऑन, अच्छा ये रहा, अच्छा मोंगोज डॉट कनेक्शन डॉट है, ये मोंगोज डॉट ऑन नहीं है, मोंगोज डॉट कनेक्शन डॉट कोर्स का, ये कोर्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, हमने कोर्स नहीं लगाया इसके लिए। नहीं नहीं कोर्स का इसमें इशू आएगा ही नहीं, ठीक है। ये क्या था, मोंगोज डॉट कनेक्शन डॉट ऑन था, ये सही सिंटैक्स है जो हमने कहाँ से डॉक्यूमेंट से देख लिया, ये सही सिंटैक्स था हमारा। अच्छा जी, तो मैं वापस आ गया और मेरे पास ये मेरा जो डेटाबेस था वो क्या हो चुका है इस वक्त, MongoDB is connected नीचे लिखा हुआ है, तो मतलब ये क्रेडेंशियल मेरे सही थे जब ही मेरा डेटाबेस मेरे सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। अच्छा अब मेरा काम अगला क्या है, अब मेरा काम अगला ये है कि इस डेटाबेस में मैं कुछ डेटा फीड करूँ, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस में कुछ भी फीड करने के लिए मुझे एक टेबल डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। जो लोग सीक्वल से आए हैं जाहिर है उन्होंने, उनको ये पता होगा कि पहले डेटाबेस करते हैं तो एक टेबल डिजाइन करते हैं, ठीक है। जो लोग बिल्कुल न्यू है डेटाबेस से उनको भी बताओ कि डेटाबेस के अंदर ना MongoDB में इसको हम कहते हैं कलेक्शंस, तो हमें एक कलेक्शन बनानी पड़ेगी कि भाई डेटा आएगा किस तरह का। तो मैं किस तरह से करूंगा उसके लिए मैं आ जाऊंगा यहाँ पे मॉडल्स, अच्छा ये उसका तरीका है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। यहाँ पे पहले एक अदद बनता है स्कीमा इसमें और उसके बाद बनता है फिर एक अदद मॉडल। अच्छा तो मैंने यहाँ पे कहा कि इसको मैं क्या कह देता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जितने बार भी मेरा मेरे अलेक्सा के स्किल को ओपन किया जाए, राइट, अभी मैं ये कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, कि जितनी बार भी मेरे अलेक्सा स्किल को ओपन किया जाए डेटाबेस में एक एंट्री लग जाए कि भाई अभी इसको ओपन किया गया है, ठीक है। तो इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ काउंटिंग स्कीमा, सही है, काउंटिंग स्कीमा मैंने नाम रख दिया इसका, कि ये काउंट करेगा, इस स्कीमा में काउंटिंग भरी जाएगी कि क्या क्या मेरे पास किस नाम से मेरे पास सॉरी कितनी बारी मेरे पास वेलकम जो लाउंच रिक्वेस्ट हैंडलर कितनी बारी हिट हो रहा है मेरे पास, ठीक है। और लाउंच रिक्वेस्ट कब चलता है, जब अलेक्सा की ऐप को ओपन किया जाता है पहली बार में, जब ओपन होता है तो ये चलता है। अच्छा तो मैंने इसका नाम रखा काउंटिंग स्कीमा, ठीक है। अब काउंटिंग स्कीमा से मैंने क्या किया, काउंटिंग स्कीमा को यहाँ पे देके और एक मॉडल तैयार कर लिया, ठीक है। इसको मैंने कह दिया काउंटिंग मॉडल, ठीक है, काउंटिंग मॉडल हो गया। तो अब मेरे पास ना ये एक कलेक्शन का डिजाइन तैयार हो गया कि भाई मेरे पास जो डेटा होगा ना वो इस तरह का होगा। अच्छा इसमें अब होगा क्या, नेम तो होगा नहीं क्योंकि नेम तो हमारे हमें पता ही नहीं है यूजर का नेम है क्या। हम यहाँ पे लगा देंगे डेट, ठीक है, कि डेट क्या होगा और उसके डेट के ऊपर मैं क्या रख दूंगा टाइप डेट और डिफॉल्ट इसमें एक डेटा जा रहा होगा डेट डॉट नाउ, ठीक है, कि डेट एक जा रही होगी इसमें सिर्फ। और मैंने यहाँ पे कह दिया कि इंटेंट का नाम क्या है, इंटेंट का जो नाम है वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा वो, ठीक है। इंटेंट का नाम दे दूंगा मैं और डेट दे दूंगा कि इस डेट को ये इंटेंट ओपन हुआ है एक बार, और ये मैं हर इंटेंट में भी लगा सकता हूँ कि हर इंटेंट में जितनी जितनी बार ओपन हुआ है वो मुझे पता चलता रहे, ठीक है, ताकि उससे मैं एक पूरा वो हीट हीट ग्राफ कहते हैं उसको गालबन, उस तरह की कोई चीज मैं बना पाऊँ इससे। अच्छा
ओके काउंटिंग स्कीमा मेरा ये तैयार हो गया, दो चीजें इसमें आ गई हैं मेरी। देन इंटेंट का नाम ऊपर, इंटेंट नेम रख देना चाहिए बल्कि इसका ज्यादा बेहतर ये होगा, इंटेंट नेम और डेट। अच्छा जी ये हो गया जी हमारे पास रेडी, तैयार हो गया। अब ये जो तैयार हुआ है इससे अभी डेटाबेस में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, अभी कोई डेटा नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ, अभी जस्ट ये प्लानिंग हो रही है कि भाई इस तरह का डेटाबेस होगा मेरे पास। अब मैं आया रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर अपने, ठीक है, ये मेरा लॉन्च रिक्वेस्ट हैंडलर है। यहाँ पे रिटर्न करने से पहले पहले, रिटर्न करने से पहले पहले मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे वो डेटाबेस की एंट्री मुझे लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि न्यू क्या था भाई मेरे काउंटिंग मॉडल। अच्छा ये जो मॉडल है इसको आप इस तरह से समझें कि ये एक रबर स्टैम्प है, ठीक है, आपने एक बार तैयार कर लिया, अब आप उससे जितनी बार छापते जाएंगे उतना छपता चला जाएगा, तो ये हमारा रबर रबर स्टैम्प है एक तरह से। तो अब मैं इससे क्या करूंगा, डेटाबेस में एक नया छाप तैयार करता हूँ, लेट डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो भी एक मेरा वेरिएबल है डेटा के नाम से मैंने बनाया हुआ है इसको, मैंने कहा न्यू काउंटिंग मॉडल। अब न्यू काउंटिंग मॉडल के अंदर मैं जस्ट क्या दूंगा, यहाँ पे दूंगा मैं इंटेंट का नाम दूंगा, राइट, इंटेंट का नाम क्या है मेरे पास, लॉन्च लॉन्च रिक्वेस्ट, ठीक है, ये लॉन्च रिक्वेस्ट है मेरे पास, ये हिट हुई है। अच्छा जो डेट मैंने साथ में लिखी है, डेट मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, नहीं दूंगा इसलिए कि मैंने कहा है कि डेट में ना डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी कि डेटाबेस में जो भी इस वक्त टाइम हो रहा है वो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पे खुद से आ जाए, ठीक है, बगैर कुछ बोले आ जाए। तो मैं यहाँ पे डेट पास नहीं करूंगा और डेट वहां पे खुद से ही पहुंच जाएगी जो भी डेटाबेस में इस वक्त डेट होगी। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूंगा भाई, उसके बाद मैं करूंगा डेटा डॉट सेव, ठीक है, इसको करने से क्या होगा, मेरा डेटा क्या होगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लेकिन अभी सेव नहीं होगा, जब ये चीज हिट होगी ना, जब लॉन्च रिक्वेस्ट हिट होगी, जब इतना कोड चलेगा और जब ही सेव होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अब इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि यार ये जो मैं अंदर लिख रहा हूँ ना कि भाई इंटेंट नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, डेट है जो वो उसकी टाइप डेट होगी, फिर उसमें डिफॉल्ट भी दे सकते हैं, तो ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है, ये मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ जाके। अच्छा स्कीमा टाइप में जब आप जाएंगे, यहाँ कोने में स्कीमा टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि भाई स्कीमा में किस किस तरह की चीजें आ सकती हैं, स्ट्रिंग आ सकता है, नंबर आ सकता है, डेट आ सकती है, बफर है, बूलियन है, ठीक है। अभी इसको आप अलग अलग पूरे को स्टडी कर सकते हैं और इस तरह से ये पूरा एक एक को बताया हुआ है। तो हमने कौन सा इस्तेमाल किया है इसमें से, हमने स्ट्रिंग इस्तेमाल किया है और हमने डेट इस्तेमाल किया है, दो हमने इस्तेमाल कर लिया है, बाकी हमने अभी इस्तेमाल करके नहीं देखा, लेकिन आप वो अलग से चाहें तो इस्तेमाल करके देख सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट स्कीमा टाइप्स का, कि स्कीमा में कौन कौन से तरह की टाइप्स हो सकती हैं। अच्छा तो ये मेरा जनाब मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने कहाँ से देखा वो भी बता देता हूँ, ये मैंने देखा है मॉडल से, ठीक है, ये आ गया जनाब, ठीक है, स्मॉल न्यू टैंक और साइज वाइज पास किया और उसके बाद क्या कर दिया स्मॉल डॉट सेव। तो मैं भी सेम यही कर रहा हूँ, यहाँ से देख के कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा इसलिए हूँ ताकि आपको पता चलता रहे, ऐसा ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो बंदा बहुत ही प्रो है, जल्दी जल्दी लिखता जा रहा है, हमसे कैसे होगा। तो भाई वो डॉक्यूमेंट से देख देख के आप लिख सकते हैं। अच्छा मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ इस पे सेट है डेली बेसिस पे, क्योंकि काम करना होता है तो मुझे चीज़ें काफ़ी सारी याद हो गई हैं, आप भी जब कंटिन्यूसली उस पर काम करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगी, तो आपको भी दोबारा यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी अच्छा, तो अब इन्होंने कैसे करके बताया है कि भाई ऐसे करके सेव लगा लो आप, ठीक है, यही बताया ना यहाँ पे आ गया डॉट सेव, ये रहा, ऐसे करके बताया कि डॉट सेव लगा लो, उसमें फंक्शन होगा, उसमें एरर मिलेगा, सही है ना, तो इफ नॉट एरर तो आपका ट्रू है। तो मैंने कहा भाई एरर मुझे यहाँ मिलेगा और मैंने कहा इफ, ठीक है, नॉट एरर, नॉट एरर है तो मैं क्या करूंगा,
मैं बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग डेटा इज सेव्ड, ठीक है। एल्स में क्या बोलूंगा, कंसोल डॉट लॉग ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल सेविंग डेटा। तो ये मेरा जो है ना नया डेटा पुट करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जैसा कि ये कॉल बैक है, उमेर खलील साहब क्या कह रहे हैं, सर इंटेंट नेम कीवर्ड है। नहीं दोस्त, इंटेंट नेम जो है वो कीवर्ड नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इंटेंट नेम जो है ना डेटाबेस में जो एंट्री मार रहे हैं ना, हम उसमें इंटेंट नेम की जगह पे लॉन्च रिक्वेस्ट रखवा रहे हैं, ठीक है। ये इंटेंट नेम कहाँ से आया, जब हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे थे तो वहां से आया, ठीक है। यहाँ पे आप और भी चीजें रख सकते हैं, जैसे कंपनी, ठीक है, कंपनी, उसके अलावा मतलब कंपनी की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंगिफाई नहीं होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो भी चीजें आप अपने डेटाबेस के इस टेबल में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ बता देंगे। अभी फिलहाल मुझे कंपनी नाम की कोई चीज इसमें नहीं रखनी, मुझे सिर्फ इंटेंट का नाम चाहिए और कब वो ओपन हुआ ये चाहिए, ठीक है। तो ये मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ, अभी अभी हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम ये सीख जाएंगे फिर हम होटल बुकिंग वाले पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे फॉरन। जब हम होटल बुकिंग करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसका नाम होगा बुकिंग स्कीमा, इसका नाम होगा बुकिंग मॉडल। और हम फिर नई बुकिंग क्रिएट करेंगे तो नई बुकिंग में चार पैरामीटर जो यूजर से लिए हैं वो पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे, अभी सिंपल रखने के लिए ये कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जैसा कि हमने एक नई एंट्री क्रिएट कर दी, अच्छा, लेकिन ये ना काम नहीं करेगी। क्यों, उसका रीजन, उसका रीजन ये है कि लैम्डा फंक्शन में जैसा कि हमने देखा था कि ये जो कॉल बैक वाला तरीका है ये लैम्डा फंक्शन में काम नहीं करता है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि यार हम तो एक्सप्रेस के सर्वर में मौजूद हैं, हम तो लैम्डा फंक्शन में मौजूद नहीं है। तो आपकी इतला के लिए बताऊं कि हम एक्सप्रेस के सर्वर में तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये जो इसका इंटरनल बिहेवियर है ना वो शॉर्ट लिव्ड है स्टिल, ठीक है। तो शॉर्ट लिव्ड वाली जो चीजें है ना वही इसमें होंगी, मतलब इसके अंदर रहते हुए। तो जो हमने ये एक्सप्रेस का एडॉप्टर लगाया है, ये एडॉप्टर क्या करता है, जो शॉर्ट लिव्ड वाली चीजें है ना वो बिहेवियर एक्सप्रेस के अंदर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टिल लॉन्च रिक्वेस्ट के अंदर स्टिल यहाँ पे ये कॉल बैक वाला जो तरीका है ये काम नहीं करेगा। अच्छा, कॉल बैक वाला तरीका काम नहीं करेगा तो उससे मसला नहीं है कोई, जो लेटेस्ट तरीका है एसिंक का वेट वाला वो हम लगाएंगे, वो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल बैक जो है स्टिल इस पॉइंट पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो लॉन्च रिक्वेस्ट है ना, जब ये फंक्शन हिट होगा तो लॉन्च रिक्वेस्ट के अंदर जो है आप स्टिल कोई लंबा काम नहीं करवा सकते। उसका रीजन ये है कि भाई जब बंदे ने बोला है ना अलेक्सा से तो उसको फौरी जवाब चाहिए, तो ये फंक्शन खत्म होगा तो उसको जवाब मिलेगा, ठीक है। तो वो वाला जो शॉर्ट लिव्ड वाला नेचर है वो इसके अंदर इन्होंने रिप्रोड्यूस किया है। रिप्रोड्यूस करने का मेन रीजन ये है कि जो कोड आप लैम्डा फंक्शन में लिखते हैं ना वो एग्जैक्टली वही कोड आप यहाँ पे लाके पेस्ट करें तो वो चल जाए, ठीक है, उसका मेन मकसद ये है। अच्छा, अगर आपको कोई सॉकेट आयो वगैरह टाइप की चीज करनी है अगर, ठीक है, तो वो आपको जो है ना इस लाइन के बाद करनी पड़ेगी। ये जो लाइन लिखी हुई है लाइन नंबर 191 जहाँ पे अडॉप्टर क्रिएट हो रहा है उसके बाद आप करेंगे तो फिर वो आपको सही चलेगा। मिसाल के तौर पर जैसे पोस्ट की रिक्वेस्ट यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें जो बनी हुई है ना नीचे, यहाँ पे आप मजीद कोई भी चीज कर सकते हैं। आप ऐप डॉट गेट लगा के आप कुछ भी दूसरा चीज बना दें वो मसला नहीं करेगा, सही है, सर्वर पूरा आपका है। लेकिन ये जो इतना जो एरिया है ना, जो ये सारे फंक्शंस हैं, इसके अंदर ये शॉर्ट लिफ्ट वाला ही तरीका काम करेगा, इसमें कॉल बैक्स नहीं काम करेंगे सही तरह से। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा इसके अंदर, कौन सा वाला तरीका लगाना पड़ेगा मुझे, एसिंक का वेट वाला, ठीक है। तो मैं इस हैंडलर फंक्शन को एसिंक बना दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अवेट, ठीक है, और अवेट के बाद यहाँ पे से मैं देख लेता हूँ कि इन्होंने एसिंक का वेट पे कैसे बताया है।
अच्छा एसिंक का वेट का जो तरीका बताया हुआ है उन्होंने इस तरह से बताया है कि आप क्या करेंगे, मॉडल का नाम लिखेंगे, डॉट क्रिएट लगाएंगे और उसके बाद जो भी अंदर का डेटा है वो लिख देंगे आप। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा वही वाला तरीका हम इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सारा कुछ हटा के मुझे लिखना पड़ेगा काउंटिंग मॉडल डॉट क्रिएट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, काफी सिंपल हो गया पहले की नस्बत ये। अच्छा जी, अब जो ये क्रिएट कॉल करेगा तो ठीक है जी, क्रिएट मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये क्रिएट मुझे रिटर्न देगा क्या। मैं जरा डॉट क्रिएट को मजीद एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि ये मुझे देगा क्या। अच्छा, कंस्ट्रक्टिंग अ डॉक्यूमेंट करके इन्होंने ये चार तरीके बताए हुए हैं, सॉरी तीन तरीके बताए हुए हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, तीनों तरीके सही हैं, जो आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। हमारे केस में हम ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके से करने में हमें क्या मिलता है, एसिंक का वेट वाला भी वाली भी चीज मिल जाती है हमें। अच्छा जी, तो खैर ठीक है, रिजल्ट हमारा इसमें आ जाएगा। अब रिजल्ट में एग्जैक्टली क्या मिलेगा वो मुझे इन्होंने बताया हुआ नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे तो दो पैरामीटर्स मिल रहे हैं लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना वो एरर मिलेगा अगर रिजल्ट में कुछ इस तरह का नल मिलेगा रिजल्ट बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज एरर मिलेगा। और मैं कॉन्सोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ इस रिजल्ट को ताकि मुझे भी पता चल जाए भाई रिजल्ट में क्या मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये पहले से मेरा कोड जो है वो काफी शॉर्ट हो गया है। अच्छा, ये रिजल्ट सेव करवाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां से इस फंक्शन को रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है जी, अब ये हो गया ओके जनाब मेरा। अब मुझे इसको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के लिए अगेन वही तरीका है, या तो मैं इसको हरिको पे डिप्लॉय कर दूं। ठीक है, हरिको पे डिप्लॉय जैसे ही करूंगा तो वो यूआरएल मुझे हरिको से मिल जाता है, वो यूआरएल मैं दे दूं अपने अलेक्सा स्किल किट को। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये मैंने क्या किया, दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं ng rock यहाँ पे चला के और उसको उसका लिंक npm run dev स्प्लिट करने के बजाय मैंने किल कर दिया, ये मैंने मिस्टेक की। मैंने कहा ng rock स्पेस http स्पेस और मेरे जिस पोर्ट पे चल रहा है 3000 पोर्ट पे चल रहा है तो मैंने कहा 3000। ठीक है, एंटर ngrok http स्पेस 3000। अच्छा भाई, ये मुझे एक अदद URL दे देगा और वो URL मैं क्या करूंगा जाके अपने अलेक्सा स्किल किट से उसको कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा, ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अच्छा जी, तो हम कहाँ पर थे, अच्छा
अच्छा तो हम ये कर रहे थे कि एनजी रॉक को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे अपने अलेक्सा स्किल किट से, तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ओ, ओ. ये एनजी रॉक कनेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा तो जी हम चलते हैं अपने अलेक्सा स्किल किट में, और ये मैं एंड पॉइंट पर आ गया, और ये मैंने पुराना यूआरएल हटा के, अच्छा पुराना यूआरएल मैं पूरा नहीं हटाऊंगा, मैं जस्ट इतना हटाऊंगा, ठीक है, बाकी का तो सेम है मेरा, डबल स्लैश ना होने पाए ये भी ख्याल रखना है आपने, और सेव एंड पॉइंट करके। अच्छा जब भी हम एंड पॉइंट को अपडेट करेंगे आप मुझको ये मेक श्योर करना है कि आप बिल्ड एक बार और चलाएं। वैसे तो यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि बिल्ड चलानी पड़ेगी आपको, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि अगर मैं बिल्ड चलाए बगैर उसको टेस्ट करता हूँ ना तो वो काम नहीं करता। मिसाल के तौर पे अभी हम उसको टेस्ट करके देखते हैं, अभी एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। अभी मैंने बिल्ड नहीं चलाई, मैं डायरेक्टली टेस्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो मेरे एंड पॉइंट पे पहुंचता है या जो पहले लगा हुआ था पुराना वाला उसी को हिट करने की कोशिश करता है। अच्छा जी, तो मैं डेवलपमेंट में हूँ, मैंने कहा ओपन जमा मलिक एंटर, तो अगर इसको अभी नया वाला एंड पॉइंट मिल गया होगा। Response from Express Server: Hello and welcome. I am virtual version of Mr. Inzamam Malik. What would you like to ask? I can tell you his name and work experience. So, ये response from Express Server जो मैंने हटा दिया यहाँ से। अच्छा, इस दफा आपने नोट किया कि यार बगैर बिल्ड चलाए भी मिल गया, लेकिन कभी कभी अगर आपको ना अपडेट मिले यहाँ पे तो बिल्ड एक बार चला लीजिएगा। मेरे साथ दो तीन बार हुआ है, तो हो सकता है इन्होंने इम्प्रूव कर दी हो ये चीज, गॉड नोज। अच्छा तो मैंने इसको दोबारा से कहा Sorry, this is error handler intent. Please try again. अच्छा असल में वो एक बार ओपन हो चुकी है मेरी ऐप, तो मैं दोबारा से ओपन इंजमाम मलिक कह रहा हूँ तो उसको समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको ना कुछ और पूछता हूँ इससे, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि इसको नया वाला एंड पॉइंट मिल चुका है कि नहीं मिल चुका। अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे शायद। मैंने दोबारा से इसको रिफ्रेश करके ओपन इंजमाम मलिक लिखा है। हेलो एंड वेलकम, आई एम वर्चुअल वर्जन ऑफ मिस्टर इंजमाम मलिक, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क? I can tell you his name and work experience. अच्छा तो आपने नोट किया मैंने दो बार जो है ना इस स्किल को ओपन किया है, तो होना क्या चाहिए कि दो बार डेटाबेस में एंट्री चली जानी चाहिए। तो अब हम यहाँ के जरा कॉन्सोल को देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है यहाँ पे कॉन्सोल में और क्या प्रिंट हुआ है रिजल्ट के तौर पे। अच्छा ये जनाब रिजल्ट का मेरा जो कॉन्सोल है ना ये पूरा आ चुका है, ठीक है जी, और MongoDB is connected. ये रिजल्ट है, तो ये दोनों एंट्री मेरे डेटाबेस में सेव हो चुकी है। अच्छा रिजल्ट में ये क्या दे रहा है, जो भी सेव्ड हुआ है, सेव हुआ डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट दे रहा है, तो मैं इसको चेंज करके क्या कर देता हूँ, सेव्ड डॉक्यूमेंट, सही है, मैंने इसको शॉर्ट लिख दिया कि ये यहाँ पर रिजल्ट में क्या देता है, जो सेव हुआ हुआ डॉक्यूमेंट है वो देता है मुझे, ठीक है, सेव डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अच्छा अब मैं इस डेटाबेस के अंदर जो चीज मेरे सेव हो चुकी है उसको मैं देखूंगा कैसे जाकर, उसको मैं देखने के लिए वापस जाऊंगा अपने MongoDB के क्लाउड में और मैं जाऊंगा ब्राउज कलेक्शंस, असल में टेबल को इसमें कलेक्शन बोलते हैं जो सीक्वल से है लोग उनके लिए बता रहा हूँ। अच्छा ये टैंक्स जो है ना ये पहले से बना हुआ आ रहा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे बल्कि छोड़ो डिलीट क्यों करें रहन देता है। अच्छा काउंटिंग्स के नाम से मेरे पास यहाँ पे दो अदद इंटेंट आ रहे हैं और दोनों में मुझे टाइम भी मिल रहा है कि किस वक्त मैंने ये ओपन किया है, ठीक है, 16:02 सर थोड़ा स्क्रीन ज़ूम कर लें, ठीक है, इंटेंट का नेम लॉन्च रिक्वेस्ट और इंटेंट का नेम लॉन्च रिक्वेस्ट, उसके बाद डेट दोनों में आ रही है कि 16:02:46 और 16:04:14, ठीक है, अभी 16:06 हो चुके हैं,
यहाँ पे मेरे पास सेव हो रहा है। अच्छा ये जो टाइम सेव हो रहा है मेरे पास ये यू जी एम टी फॉर्मेट में हो रहा है ये टाइम सेव। तो ये एक्चुअली क्या है कि हम इस वक्त मौजूद हैं जी एम टी प्लस 5 में, ठीक है, ज्यादातर जो है। तो ये उसमें से ना माइनस 5 करके उसको 0 पे ला रहा है टाइम को ना, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल टाइम फॉर्मेट। तो ये यूनिवर्सल टाइम फॉर्मेट में हो रहा होता है। अगर इसको मैं वापस कन्वर्ट करना चाहूँ ना मेरे टाइम जोन में, तो ये इजिली मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको कर सकता हूँ। मैं सिंपली क्या लिखूंगा यहाँ पर जाके, मैं कॉन्सोल में जाके ना इसको जब मैं लिखूंगा ना न्यू डेट, ठीक है, मैं जस्ट ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ना कि इसको मैं जब भी यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा ना वापस से, तो ये मेरी मैंने लास्ट में एक वो छोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखें मेरे टाइम में चेंज हो गया, जी एम टी प्लस 5 बन गया ये। अच्छा इसको जी एम टी प्लस 5 कैसे पता चला, मेरी मशीन का रीजन इसको पता है, ब्राउजर को ना ये पता है कि मेरी मशीन इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया ना वापस, तो आप देखें मेरे मेरे घर का इसने टाइम बता दिया 21:02, ठीक है, 9 बज रहे रात के, तो ये 21 बजे इसने बता दिया 21:02 पे। ऑन अदर एंड यहाँ पे ये क्या बता रहा है, 21:02 नहीं बता रहा है, 16:02 बता रहा है, ठीक है। 16 का मतलब है कि 4 बजा रहा है ये, तो ये इस वजह से बता रहा है कि ये प्लस 5 को हटा देता है। अब अगर कोई कनाडा में बैठा हुआ है, जैसे सलील अगर इसको कॉपी करेंगे और सलील अगर ये चीज चलाएंगे ना, तो यहाँ पे ये प्लस 5 में नहीं लेकर जाएगा, ये -8 में गालबन वहां पर है, तो उस पे लेकर चला जाएगा ये, क्योंकि वो मशीन को पता होता है कि वो किस टाइम जोन में इस वक्त बैठी हुई है वो मशीन में, तो अकॉर्डिंगली उसके कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह जैसे फेसबुक पे हम पोस्ट जब करते हैं तो उसमें जो टाइम सेव होता है कि ये पोस्ट कितने बजे की गई है, वो इसी फॉर्मेट में पीछे सेव होता है। तो अगर कोई अमेरिका में बैठा हुआ है तो उसको भी पता लग जाता है कि अच्छा ये 30 मिनट्स अगो है, और पाकिस्तान में ही बैठा हुआ उसको भी पता चलता है 30 मिनट्स अगो है, ठीक है। अच्छा फिर जब दूसरे दिन दोनों आते हैं उस पोस्ट को देखने के लिए, उसमें डेट लिखी हुई आ रही होती है, टाइम लिखा पा रहा होता है, लेकिन दोनों को उनके जोन के हिसाब से वो टाइम दिखा रहा होता है। मिसाल के तौर पर अभी अगर मैं कोई पोस्ट करता हूँ तो मैं मुझे वो दिखेगा कि 9:08 पे वो पोस्ट हुई है, ठीक है ना, मुझे ये दिखेगा मेरे जोन के हिसाब से। लेकिन डेटाबेस में चूंकि यूनिवर्सल टाइम से वो हुआ है, तो अगर कोई अमेरिका से उसको देखेगा ना, तो उसको 9:08 PM नजर नहीं आएगा, उसको 9:08 AM नजर आएगा, अगर वो 12 घंटे का पूरा डिफरेंस हो, या अकॉर्डिंगली जो भी डिफरेंस है वो नजर आ जाएगा उसको। तो टाइम हमेशा हम किसमें सेव करवाते हैं डेटाबेस में, यूनिवर्सल टाइम फॉर्मेट में। इसमें टाइम जोन को हम कभी भी सेव नहीं करते हैं, टाइम के साथ हम यूनिवर्सल कर देते हैं। टाइम जोन प्लस होता है तो उसको हम हटा देते हैं, माइनस होता है तो उसको भी हटा देते हैं, हम नहीं हटाते, डेटाबेस खुद इंटरनली कर रहा होता है ये। अच्छा इसके लिए पूरी लाइब्रेरी भी लिखी हुई है, उसका नाम है मोमेंट JS, ठीक है, मोमेंट JS। तो आपको कभी अगर खुद से कन्वर्जन करनी पड़ जाए, ये चीजें करनी पड़ जाए, तो ये मोमेंट JS करके लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। इसमें सारे मेथड्स फंक्शंस दिए हुए हैं कि टाइम को कन्वर्ट करना, एक जोन से दूसरे जोन में कन्वर्ट करना, ठीक है, मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो जितना कुछ यानी पॉसिबल है ना वो सब इसके अंदर इन्होंने फंक्शंस बनाकर दिए हुए हैं, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो। खैर तो हमारे डेटाबेस में डेटा यहाँ पे पहुंच चुका है। अच्छा तो अब एक चीज और हम समझ लेते हैं, क्या मुझे जब भी अपने डेटा को देखना होगा तो मैं यहाँ पर आऊंगा उसको देखने, इसका जवाब है नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आने में क्या बुराई है भाई, यहाँ पे आने में बुराई ये है कि यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं सर्च कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, स्टूडेंट्स का डेटा सेव है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मुझे कैसा ला के दो स्टूडेंट जिसकी एज जो है वो 18 है, एग्जैक्टली 18 जो है वो मुझे ला कर दो अप्लाई, ठीक है, लोडिंग डॉक्यूमेंट। तो वो कह रहा है भाई ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें एज इक्वल्स 18 हो, ठीक है, तो ये मुझे लागत। तो ये क्वेरी सिंपल सी एक चीज है, ये डेटाबेस जब आप देखने के लिए आते हैं, जाहिर है डेटाबेस में आप देखने के लिए आएंगे लाखों करोड़ों के हिसाब से इसमें एंट्रीज होती है, तो उस एंट्री में आप स्क्रॉल तो करेंगे नहीं, आप उसको सर्च करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, फिर जाहिर है ये पेज जब आप लोड करेंगे तो उसको आपको पेज बाई पेज यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, आमतौर पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है जिसको हम डेटाबेस क्लाइंट्स कहते हैं, ठीक है, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो है डेटाबेस क्लाइंट, वो भी मैं आपको एक बता देता हूँ ताकि उसका भी हो जाए, रोबो मोंगो। रोबो मोंगो के नाम से जो है ना Robo3T बल्कि, ठीक है, Robo3T। अच्छा Robo3T जो है इसके दो वर्जन है, एक है Robo3T और एक है Robo Studio 3T।
तो ये पहला वाला जो है ये फ्री है, और ये दूसरा वाला जो वो पेड है, ठीक है। अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप पेड वाला ले लें, मैं तो फ्री वाला यूज करता हूँ क्योंकि मेरे सारे काम ऑलमोस्ट उसमें हो जाते हैं, ठीक है। एक ये है, एक मोंगो डीबी का खुद का भी है, उसको उन्होंने नाम रखा है मोंगो डीबी कंपास, ठीक है जी, मोंगो डीबी कंपास। तो ये भी अच्छा टूल है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक ही वर्जन है और वो फ्री है, और फ्री इस वजह से कि मोंगो डीबी ने खुद ही बनाया है ये, तो उन्होंने कहा यार डेटाबेस के पैसे दे रहे हैं, दे दो हमें, और ये टूल हमारा फ्री है, आप इसको यूज करो, ठीक है। तो डाउनलोड नाउ करके आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जब डाउनलोड नाउ का बटन आपने प्रेस किया तो यहाँ पे इसने पूछा कि वर्जन कौन सा चाहिए, जो लेटेस्ट है भाई, बाय डिफॉल्ट उसने वही प्लेटफॉर्म, इसने कहा OS X 64 बिट, ठीक है। मेरे पास जो प्लेटफॉर्म था, अगर आप विंडोज पे होंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विंडोज लिखा हुआ रहा होगा, ठीक है। तो आप उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस डाउनलोड का बटन प्रेस कर देंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास क्योंकि ये पहले से डाउनलोड है तो मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा डाउनलोड को, और कैंसिल करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा मोंगो डीबी कंपास, एंटर। तो ये मैंने टूल ओपन कर लिया, क्या कौन सा टूल ओपन कर लिया, मोंगो डीबी कंपास के नाम से जो टूल था उसको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, इसको ओपन करने के बाद अब मैं इसमें देखूंगा कैसे डेटाबेस को, ओपन हो गया, ये हो रहा है। अच्छा जी, ओपन हो रहा है। प्लगइन हो जाएगा नहीं, सही है ना। अच्छा जी, तो ये MongoDB कंपास ओपन हो गया। अच्छा, अब इसमें मैं डेटाबेस अपना देखूंगा कैसे, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड आ रही है, इस टेक्स्ट फील्ड में जाके मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग है पूरा, इसको मैं क्या करूंगा, कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लूंगा, पूरे कनेक्शन स्ट्रिंग को। ओ, ये मैं क्या कर दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करूंगा मैं, और कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करके कनेक्ट का बटन दबा दूंगा। इतना सिंपल है, कनेक्टिंग टू द क्लस्टर। अच्छा, एक बार आप जब कर देंगे तो ये साइड में ना रिसेंट में ये शो करना शुरू कर देता है, आप देख रहे होंगे मेरे पास रिसेंट में एक दो आ रहे थे पहले से भी। अच्छा जी, तो ये जनाब ओपन हो गया मेरे पास। अच्छा, क्या लिखा हुआ आ गया, अलेक्सा क्लास डेटाबेस। अच्छा, ये तीन डेटाबेस बने हुए हैं जिसमें से ये मेरा वाला शो हो रहा है। अच्छा, एक तो एडमिन है, ये डिफॉल्ट होता है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, लोकल होता है, ये भी डिफॉल्ट होता है। तो आपके जो नाम का डेटाबेस है इसमें देखें दो कलेक्शन भी शो हो रहे हैं, कि दो कलेक्शन इसमें बनी हुई है। मैंने एंटर किया, और एक काउंटिंग के नाम से इसमें कलेक्शन है, और एक टैंक्स के, टैंक वाले को बल्कि मैं डिलीट कर ही देता हूँ यार। टैंक्स वाला कैसे बन गया भला, वो ऐसे बन गया कि जब मैंने शुरू में क्या किया था, कोड कॉपी किया था डॉक्यूमेंट से, तो उसमें टैंक के नाम से एक कलेक्शन उन्होंने बनाई हुई थी, तो मैंने उसको चेंज किया था, तो वो इतने में वो कलेक्शन क्रिएट कर चुका था, कलेक्शन में जाकर डेटा कोई नहीं गया था। अच्छा, अब इसके अंदर, ये कलेक्शन के अंदर मैं आ चुका हूँ, अब इस कलेक्शन के अंदर मुझे ये क्या बता रहा है कि आपके दो डॉक्यूमेंट्स हैं इस कलेक्शन में, तो मैं और एंटर करता हूँ और मुझे ये दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे नजर आ गए, ठीक है। अच्छा, तो सेम यहाँ पे जैसे मोंगो डीबी पे दिख रहे होते हैं डॉक्यूमेंट, सेम उसी तरह यहाँ पे भी दिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ एडिशनल चीजें कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इंडेक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ, सही है, स्कीमा अपना मैं देख सकता हूँ, एग्रीगेशन जो है वो देख सकता हूँ, और बना भी सकता हूँ एग्रीगेशन, ठीक
ठीक है, क्वेरीज तो यहाँ पे चली जाती हैं जैसे वहां पे चल रही होती हैं, ठीक है, क्या पूरी कंप्लीट क्वेरी में बना सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा तो ये थोड़ा हैंडी रहता है। अब मुख्तलिफ किस्म के व्यूज भी यहाँ पे मिल जाते हैं, इस तरह का व्यू भी है, ऐसे वाला व्यू भी है, ठीक है, जो व्यू आपको पसंद हो। तो मुख्तलिफ किस्म के व्यूज भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आमतौर पर लोग पसंद करते हैं कि डेटाबेस का जो क्लाइंट हो वो मेरी मशीन में सेव हो। अच्छा तो अब ये डिपेंड करता है बंदे की चॉइस पे। अगर आपको पसंद है कि डेटाबेस का क्लाइंट आपकी मशीन में इंस्टॉल हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप जाके उसको क्लाउड पे देखें जाके, कोई मसला नहीं है। तो जस्ट ये भी एक चीज़ थी देखने वाली, तो मैंने ये भी आपको बता दी। अब हम क्या करते हैं, जाके जब एक बार उसको और हम ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एंट्री पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। इसको मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद इसको मैंने कहा ओपन इंजमाम मलिक एंटर। हेलो एंड वेलकम, आई एम वर्चुअल वर्जन ऑफ मिस्टर डॉट इंजमाम मलिक। व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क? आई कैन टेल यू हिज नेम एंड वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे मैंने एक हिट कर दिया लेकिन यहाँ पे अभी तक वो डेटा मुझे नजर नहीं आया। तो यहाँ पे वो डेटा लाने के लिए मुझे ये रिफ्रेश का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ये तीसरा वाला भी मुझे नजर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जब भी यहाँ पे देखना होगा रिफ्रेश करेंगे अब आपको सब कुछ यहाँ पे नजर आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये हमने डेटाबेस देख लिया कि डेटाबेस बनता कैसे है, क्रिएट कैसे होता है, उससे कनेक्ट कैसे करते हैं हम, और कनेक्ट जब हो जाता है तो उसमें जब डेटा जा रहा होता है तो उसको मॉनिटर कैसे करते हैं। तो ये तीनों चीजें हमने देख ली, तो ये डेटाबेस हमने काफी हद तक कवर कर लिया। अब लाउंज रिक्वेस्ट की हो गई कहानी खत्म। अब हम आ जाते हैं होटल बुकिंग इंटेंट पे। अच्छा, होटल बुकिंग इंटेंट के ऊपर क्या था भाई कि हमें चार तरह का डेटा मिलता था, सॉरी पांच तरह का, बल्कि एक दो तीन चार पांच तरह का हमें डेटा मिलता था। और वो पांचों तरह के डेटा को, सॉरी पांच नहीं है, कॉन्सोल पांच किया हुआ है लेकिन डेटा चार ही है, ठीक है, डेटा चार ही है हमारे पास। तो इन चार तरह के डेटा को हमने जस्ट कंसोल करवा दिया था, हमने डेटाबेस में फीड नहीं किया था। तो हम एक बार इसको कंसोल की हद तक चलाकर देखते हैं दोबारा से कि भाई इसमें किस चीज में मुझे क्या मिल रहा होता है किस में। तो मैं क्या करता हूँ, फिर इसको मुझे एक बार ही हिट करना पड़ेगा जाके टेस्ट के कंसोल से, और मैं इसको बोलूंगा कि बुक अ रूम एंटर, ठीक है, फॉर हाउ मेनी, फॉर हाउ मेनी पीपल, for three people. What type of room would you like to reserve for three person? We have economy, standard, standard, okay. Please tell me when you are coming. Tomorrow. Okay. Standard room for three people. How many days? अच्छा, जो मैंने उसको टुमारो लिखकर बताया इसमें डेट भी लिख सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, और टुमारो अगर मैं बोलूंगा तो जिस जिस रीजन में यूजर की डिवाइस पड़ी हुई है ना उस रीजन में जो टाइम उस वक्त हो रहा होगा उसके हिसाब से वो टुमारो कंसिडर कर लेगा कि भाई टुमारो क्या है। जैसे अभी मेरे पास हो रहे हैं 1 मार्च 9:20, ठीक है, तो मैं अगर टुमारो बोलूंगा तो उसका मतलब वो 2 मार्च कंसिडर करेगा उसको। तो देखते हैं जी, 2 मार्च ही कंसिडर करता है या कुछ और करता है। अच्छा, फिर उसने पूछा कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड रूम फॉर थ्री पर्सन, हाउ मेनी डेज। ओके, मैंने कहा भाई 4 डेज, ठीक है, तो टुमारो से 4 डेज, टुमारो का मतलब है कि टुमारो अगर मैं आ रहा हूँ तो दिन के 12 बजे चेक इन टाइम होता है आमतौर पर, तो सॉरी दिन के 12 बजे चेकआउट का टाइम होता है। तो मैं दिन में आऊंगा या रात में भी आ सकता हूँ मैं, लेकिन दिन 12 बजे से मैं पहले नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि चेकआउट जो कल बंदा रह रहा था वो दिन 12 बजे तक वो चेकआउट करेगा, तो मैं 12 बजे से पहले नहीं आ सकता। तो ये होटल ने आमतौर पर लिखा हुआ होता है कि भाई हमारा जो चेकआउट का टाइम है वो क्या है। कुछ जगहों पे 10 बजे भी होता है, सुबह 10 बजे चेकआउट करना होता है आपको, कुछ जगहों पे 11 बजे होता है, कुछ जगहों पे 12 बजे होता है, कहीं कहीं पे बहुत रेयरली 1 बजे या 2 बजे भी होता है। तो इस तरह से कर रहे होते हैं, तो जितने बजे चेकआउट का टाइम है उससे पहले नहीं जा सकता मैं। तो अब मैं टुमारो मैंने बोला है तो इसका मतलब है कि टुमारो
मैं दोपहर 12 बजे के बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, शाम को 5 बजे, रात को 10 बजे, रात को 11, 12, 1, 2, 3, 4, रात को 4 बजे, 5 बजे तक भी जा सकता हूँ मैं, ठीक है? तो ये टुमोरो ही में कंसिडर हो रहा होगा मेरे। तो टुमोरो जब मैं बोलूंगा ना तो मुझे जस्ट डेट बताएगा, 2 मार्च, ठीक है? तो होटल बुकिंग के केस में मुझे पता होगा कि 2 मार्च की डेट में मैं दिन 12 बजे के बाद किसी भी वक्त जा सकता हूँ। तो रिस्पॉन्स में आमतौर पे ये बताते हैं, जब होटल बुक आप करते हैं वॉइस के थ्रू, तो वो रिस्पॉन्स में आप बताते हैं कि भाई अगर आप 2 मार्च को आ रहे हैं तो आप 12 बजे, आप हमारा जो चेक इन चेकआउट टाइम है वो 12 बजे, तो आप 12 बजे से पहले बताइएगा। और अगर 12 बजे से पहले मैं आ रहा हूँ तो फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा टूडे, फिर मुझे एक दिन पहले का बोलना पड़ता है। अच्छा, तो मैंने कहा 4 डेज और एंटर कर दिया, ठीक है? योर होटल बुकिंग इज कंप्लीटेड। कंप्लीट। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि जो है ना रूम टाइप में, और ये मेरे पास चार पूरा डेटा आ गया है, चारों डेटा। अब हमने ये भी देखा था कि चार जो डेटा आया है मेरे पास वो थोड़ा अलग अलग आया है। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही, तो हम डॉक्यूमेंट से देखेंगे वो क्या है। अच्छा, नंबर ऑफ पीपल जो है, नंबर ऑफ पीपल तो बहुत ही ईजी है, डॉट वैल्यू में मुझे 3 मिल रहा है पूरा, ठीक है? 3 का मतलब 3 होता है, बहुत ही सिंपल है। रूम टाइप में स्टैंडर्ड जो मुझे मिल रहा है वो स्टैंडर्ड मिल रहा है, ठीक है? जो मैंने बोला है वही मुझे मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद अराइवल डेट जो है ना मेरे पास, उसमें मुझे सीधी सीधी डेट मिल रही है, ये भी सिंपल है। ड्यूरेशन के अंदर मुझे थोड़ी सी अजीब सी वैल्यू मिल रही है, ठीक है? तो ड्यूरेशन को मुझे डॉक्यूमेंट में जाके देखना पड़ेगा कि P4D जो इसने मुझे दिया है इसका क्या मतलब है, ठीक है? और इसके अलावा मुझे ये क्या क्या दे सकता है, ठीक है? तो मैं जाता हूँ यहाँ पे अलेक्सा की डॉक्यूमेंटेशन में, और अलेक्सा की डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद क्या नाम है उसका, बिल्ट इन स्लॉट टाइप्स, ठीक है? बिल्ट इन स्लॉट टाइप्स में क्या क्या है वो मैं जरा देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो हम वहां पे जाके ड्यूरेशन देखते हैं कि ड्यूरेशन मुझे वो क्या दे रहा है, क्या क्या दे रहा है ड्यूरेशन में। ओके, ड्यूरेशन। अच्छा, तो ड्यूरेशन में ना मुझे इसने क्या बताया है कि भाई कुछ इस तरह का डेटा आएगा कि 10 मिनट्स अगर बोलेगा ना बंदा तो उसमें लिखा हुआ आएगा PT 10 मिनट, ठीक है? उसके बाद अगर 5 आवर बोला उसने तो लिखा हुआ आएगा PT 5 आवर, 5H, ठीक है? अगर 3 डे बोला उसने बंदे ने तो लिखा हुआ आएगा P और 3D लिखा हुआ आएगा, ठीक है? अच्छा, तो इससे हमें समझ में क्या आया कि अगर शुरू में प्रीफिक्स में अगर पी लिखा हुआ रहा है, सही है, तो इसका मतलब है पी और टी लिखा हुआ रहा है, तो इसका मतलब है कि बंदे ने ना टाइम भी बताया, टाइम में बात की है बंदे ने। और अगर सिर्फ पी लिखा हुआ रहा है तो इसका मतलब है कि बंदे ने सिर्फ डेट की बात की है, टाइम की बात नहीं की, यानी कि थोड़ी बिग पिक्चर में बात की। इसका जरा पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कन्वर्ट्स द वर्ड दैट इंडिकेट ड्यूरेशन इनटू न्यूमेरिक ड्यूरेशन। द ड्यूरेशन इज प्रोवाइडेड टू योर स्किल इन फॉर्मेट बेस्ड ऑन द ISO। दिस ये फॉर्मेट है, इसके फॉर्मेट में भेज रहे होते हैं ये। द पी इंडिकेट्स दैट दिस इज अ ड्यूरेशन। द एन इज द न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, एंड द कैपिटल लेटर फॉलोइंग द एन डेडिकेट्स दैट स्पेसिफिक डेट और टाइम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल P3D मीन्स 3 डे। कैपिटल टी इज यूज टू इंडिकेट दैट द रिमेनिंग वैल्यू रिप्रेजेंट द टाइम एलिमेंट रेदर देन द डेट एलिमेंट, ठीक है जी? तो PT लिखा हुआ आएगा टाइम के लिए, और सिर्फ P लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब है डेट की बात हो रही है। तो यहाँ इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मेट बताया है, तो उसको मजीद अगर कोई पढ़ना चाहे तो यहाँ जाके पढ़ भी सकता है कि फॉर्मेट किस तरह से इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है जी? अच्छा, मैं जरा देखता हूँ मूवमेंट JS में इसको कन्वर्ट करने का कोई मेथड है क्या, क्योंकि हम जाहिर है डेटाबेस में जब सेव करेंगे तो हम इस तरह, अच्छा हम इस तरह सेव कर सकते हैं भाई दादा, क्योंकि डेटाबेस में तो शॉर्ट रखना होता है ना हमें चीजों को। खैर, मसला ये है कि बाद में जब स्क्रीन पे दिखाना होगा तो कैसे बोलेंगे उसको।
अच्छा खैर, अभी हम तो डेटाबेस में सेव करवाते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसको वापस, क्योंकि वापस जब हमें उसको स्क्रीन पे दिखाना होगा तो मुझे ये बताना होगा कि भाई 4 डेज मुझे लिख के बताना होगा, ठीक है? या वापस बंदा पूछता है कि यार मैंने क्या बुकिंग करवाई है, तो डेटाबेस से जब मुझे ये वैल्यू मिलेगी तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह कि भाई 4 डेज का आपने बोला हुआ है, ठीक है? तो ये मुझे बोलना पड़ेगा। खैर, तो अभी हम इसको इसी तरह डेटाबेस में सेव करवाते हैं, लेकिन जब हमें वापस बंदे को बताना पड़ेगा तो फिर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए। अच्छा, कोई तरीका अगर नहीं मिला तो हम फिर क्या करेंगे, अपना कस्टम कुछ कोड लिखेंगे इफ एल्स वगैरह लगाकर कि इसको कन्वर्ट किया जाए उसमें। अच्छा, अब ये डेटा मुझे डेटाबेस में सेव करवाना है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक नया कलेक्शन बनानी पड़ेगी, नया कलेक्शन जिसका नाम मुझे क्या करना पड़ेगा, बुकिंग स्कीमा, ठीक है, बुकिंग स्कीमा, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होगा, अच्छा बंदे का हमने नाम नहीं पूछा, राइट? हमें ये भी एक चीज रखनी चाहिए थी कि बंदे का नाम पूछना चाहिए था हमें क्योंकि रिजर्वेशन जब भी होती है किसी ना किसी नाम से होती है, बगैर नाम की नहीं होती। अच्छा जी, नंबर ऑफ पीपल मुझे चाहिए सबसे पहले, नंबर ऑफ पीपल जो है वो वैसे तो नंबर होती है लेकिन अलेक्सा क्योंकि मुझे स्ट्रिंग में दे रहा है तो मैं इसको स्ट्रिंग में ही सेव कर देता हूँ। अच्छा, डेट मुझे चाहिए होगी, अच्छा डेट का नाम मैं रख देता हूँ क्रिएटेड ऑन, सही है, ताकि ये एंट्री कब क्रिएट हुई है ये उसकी डेट है एक्चुअली। अच्छा, नंबर ऑफ पीपल मैंने रख दिया, उसके बाद मैंने कहा रूम टाइप मुझे चाहिए होगा एक। अच्छा, मैं नाम सेम रख रहा हूँ, जो मैंने वहां से मंगवाया वही सेम नाम मैं डेटाबेस में भी रख रहा हूँ ताकि मुझे आसानी रहे समझने के अतबार से, ठीक है? अदरवाइज ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ दूसरे नाम से भी सेव करवा सकता हूँ डेटाबेस में। अच्छा, डॉट वैल्यू करके मैंने क्या कहा कि जो है ना, अच्छा ये भी स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग कैपिटल एस से, ठीक है? हाँ, ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अगर स्मॉल एस से आपने स्ट्रिंग लगाया तो प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। स्मॉल एस से प्रॉब्लम क्यों करेगा? वो प्रॉब्लम इसलिए करेगा कि कैपिटल एस जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है क्लास को, ठीक है? तो हम यहाँ पे ना इसके असल में टाइप बता रहे हैं, और जो स्मॉल एस है वो क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, बाय द वे अभी ऐसे वाले जावास्क्रिप्ट में ना अगर स्मॉल एस भी लगा दे तो वो एरर कुछ शो नहीं करेगा, लेकिन सम टाइम वो बिहेवियर थोड़ा सा उसका मुख्तलिफ होता है तो बंदा कंफ्यूज होता है कि यार ये क्यों हो रहा है, तो वो स्मॉल एस की वजह से हो रहा होता है। अगर अभी मैं इसको स्मॉल कर दूंगा ना तो ये मुझे एरर दे रहा है, हाँ नहीं एरर दे दिया उसने, एरर दे दिया उसने। तो स्मॉल किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ओके, जस्ट अ मिनट, ये मुझे एरर किस चीज का दे रहा है? अच्छा, ये मुझे नेम का एरर दे रहा है, बुकिंग मॉडल जो मैंने नेम रखा है इसका मुझे एरर दे रहा है, तो मैं जो है ना इसको मैं चेंज करके देखता हूँ कि बुकिंग, ये मैंने बुकिंग मॉडल कर दिया इसको। अच्छा, अब मैं देखता हूँ मुझे स्मॉल एस करने पे ये एरर देता है या नहीं देता। अच्छा, दे रहा है मुझे एरर, ठीक है, मना कर दे रहा है ये। अच्छा, स्मॉल एस जो है ना वो कुछ भी नहीं है जावास्क्रिप्ट में ना, वैसे तो असल में जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी इवॉल्व हुई है, तो अभी जो ES6 है ना उसमें स्मॉल एस से कुछ भी नहीं है, जो इससे पहले की थी ना ES5 उसमें स्मॉल एस भी असल में क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता था, ठीक है? लेकिन वो क्लास थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। अब ये जिन्होंने ना C# वगैरह पढ़ी भी है वो ज्यादा बेहतर इसको पता होगा उनको, लेकिन अभी जो नई वाली जावास्क्रिप्ट है उसमें सिर्फ इतना याद रखें आप कि जब भी आपको टाइप बतानी हो तो आप कैपिटल वाले एस के स्ट्रिंग को आप इस्तेमाल करें, ठीक है? स्मॉल वाला अभी, स्मॉल वाले का कोई मतलब नहीं रहा अभी। अब शुरू में क्या हुआ था, इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ था कि भाई स्मॉल से भी सेम काम हो जाता था लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता था, कैपिटल से भी सेम काम होता था, लेकिन अभी स्मॉल लेटर वाला स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी नई वाली जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? आई होप कि ये इतना ही जहन में रखना इनफ रहेगा जी। अच्छा जी, रूम टाइप हमने कर दिया, रूम टाइप के बाद क्या था भाई, रूम टाइप के बाद है अराइवल डेट, ठीक है जी? मैंने कहा भाई कि अराइवल डेट,
और अराइवल डेट को भी मैंने कहा स्ट्रिंग। अच्छा एंड देन ड्यूरेशन, कुछ के मैंने स्मॉल रख दिया, कुछ का मैंने कैपिटल रख दिया, हालांकि इन सबके नाम स्मॉल से होने चाहिए। ड्यूरेशन का जो डी कैपिटल हुआ हुआ है ये स्मॉल से होना चाहिए, कहाँ है उसको भी मैं स्मॉल कर दूं हाथ के हाथ। अच्छा जी, तो ये ड्यूरेशन है और ये भी मैंने स्ट्रिंग कह दिया। अलेक्सा मुझे ना सारी चीजें स्ट्रिंग में दे रहा है, ठीक है, तो मैंने सारी चीजों का नाम स्ट्रिंग रखा है। अच्छा अब मैं नीचे आता हूँ। अच्छा काइंडली ये जहन में रखिएगा कि जो मैं डेट को सेव करवा रहा हूँ ना, अराइवल डेट को जो मैं स्ट्रिंग में सेव करवा रहा हूँ, इस पे मैं डेट की क्वेरी नहीं लगा सकता, इसको मुझे डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट में कन्वर्ट करके मुझे सेव करवाना पड़ेगा। लेकिन जस्ट टू कीप इट सिंपल फॉर नाउ मैं उसको कन्वर्जन वाले पार्ट को भी छोड़ रहा हूँ और जैसा आ रहा है एज इट इज वैसा ही उसको मैं सेव करवा रहा हूँ। लेकिन ये मुझे याद दिलाइएगा, मैं इसकी कन्वर्जन भी डिस्कस कर लूंगा और उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली हम मूवमेंट जेएस की लाइब्रेरी जो है उसी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वही सबसे सही लाइब्रेरी है इस चीज को करने के लिए। और जावास्क्रिप्ट का एक डेट का ऑब्जेक्ट है, उससे भी 90% काम उससे भी हो जाते हैं, लेकिन 10% ऑफ द टाइम चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो मूवमेंट जेएस हेल्पफुल रहता है। अच्छा तो मैंने जनाब ये इसका तैयार कर दिया स्कीमा, इसमें चार वैल्यूज हैं और क्रिएटेड ऑन का एक एक रखा है मैंने, जिसमें डिफॉल्ट क्या करेगा वो जब रिजर्वेशन जिस वक्त होगी वो डेट सेव कर लेगा कि भाई अभी अभी ये रिजर्वेशन हुई है इतने बज के इतने मिनट में, ठीक है जी। और मैं अब गया नीचे, और नीचे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे जब मैंने चारों वैल्यूज को कंसोल करवाया है जहां पर, उस पॉइंट पे आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसको सेव भी करवा दूंगा। मैंने कहा बुकिंग मॉडल डॉट क्रिएट, ठीक है, इसी तरह मुझे करना है। अवेट लेट ठीक है, इसी तरह होगा। इसका जो हैंडलर फंक्शन है उसको मुझे एसिंक भी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुझे एरर देगा। जिस फंक्शन के अंदर भी अवेट लगाएंगे वो फंक्शन एसिंक होना चाहिए। अच्छा अब मुझे एक एक करके इसमें वैल्यूज इनपुट करनी है, ठीक है जी। सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल मैंने बता दिया। अच्छा नंबर ऑफ पीपल की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, नंबर ऑफ पीपल डॉट वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नंबर दो रूम टाइप, और रूम टाइप की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, रूम टाइप डॉट वैल्यू, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने रूम टाइप को प्रिंट करवाया है इसी रूम टाइप की डॉट वैल्यू करके जो चीज मिल रही है उसको मैं सेव करवा दूंगा। अच्छा उसके बाद है अराइवल डेट, अराइवल डेट में मुझे अराइवल डेट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये इतनी चीज मुझे मिल जाएगी, सेव हो जाएगी। उसके बाद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में भी मैं डॉट वैल्यू करके उसको सेव करवा देता हूँ। अच्छा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ठीक है जी, ड्यूरेशन डॉट वैल्यू। अच्छा और ये सेव डॉक्यूमेंट जो है इसको मैं क्या करवा देता हूँ, यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग कॉन्सोल करवा देता हूँ, और मैं कह देता हूँ डॉक्यूमेंट इज सेव्ड इन MongoDB। अच्छा जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब हम एसिंक अवेट के जरिए कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनेट की रिक्वेस्ट हो चाहे वो डेटाबेस की रिक्वेस्ट हो, तो इसमें डॉट कैच करके हमें एरर नहीं मिल पाता, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीका इसको करने का ये है कि हम ट्राई कैच के ब्लॉक में इसको लिखें। तो मैं पूरे इस ब्लॉक को क्या करता हूँ, ठीक है ना, ट्राई कैच के ब्लॉक में लिख देता हूँ। ठीक है, ट्राई कैच का ब्लॉक जो है वो काफी क्लासिक अप्रोच है जावा में, सी शार्प में, सी लैंग्वेज में, सब में जो है वो ट्राई कैच का ब्लॉक इसी तरह लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है।
और काफी टाइम से ये यूज हो रहा है मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो अब होता क्या है कि ये ट्राई के ब्लॉक में जितना भी कोड, ये इतना कोड जो लिखा हुआ है, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी एरर अगर आता है तो क्या होगा, आपका पूरा कोड ब्रेक नहीं होता है, आपका ये कैच का ब्लॉक चल पड़ता है। ठीक है, और कैच के ब्लॉक में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, कॉन्सोल लिखा मैंने, मैंने लिखा भाई समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल सेविंग बुकिंग, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, उस एरर को कंसोल भी करवा दिया, ठीक है, उस एरर के पूरे मैसेज को भी कंसोल करवा दिया कि भाई किस वजह से ये एरर हुआ। अच्छा, और अब मैं क्या करूंगा, ये स्पीक आउट जो है, यहाँ पे से स्पीक आउट जो बना हुआ था, अब मुझे ये काम कहाँ पे करना पड़ेगा, कट, ये काम मुझे वहां पे करना पड़ेगा कि डेटा में, डेटा बेस में डेटा सेव होने के फौरन बाद करना होगा। ठीक है, तो जाहिर है ये भी फिर मेरे कैच के, सॉरी नहीं, नीचे नीचे ही होगा ना, ये तो नीचे ही रहेगा सही जगह पे, इसको क्यों छोड़ूंगा। ठीक है जी, तो इतना ट्राई का ब्लॉक अगर सक्सेसफुली रन हो जाएगा, अगर ट्राई के ब्लॉक में कोई एरर नहीं आता है तो फिर कैच ऑफ कोर्स नहीं चलेगा और कोड मेरा नीचे की तरफ चला जाएगा, तो स्पीक आउट में चला जाएगा ये। अच्छा, जब भी हम रिस्पॉन्स देते हैं तो रिस्पॉन्स देते हुए मुझे क्या करना होता है कि कुछ ना कुछ मुझे जो यूजर से इनपुट लिया ना वो भी मुझे बोलना पड़ता है। तो मैं सही तरीका ये है कि मैं कहूँ ओके, ठीक है, योर होटल बुकिंग फॉर 3 पर्सन, ठीक है, 3 पर्सन में कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ पीपल, कुछ ना कुछ इसमें मैं डेटा दे देता हूँ कि भाई 3 पर्सन इज कंप्लीटेड। सही है, कुछ ना कुछ मैं पूरा जुमला भी बना सकता हूँ, यानी चारों ये डेटा भी दे सकता हूँ, अगर दूं तो ज्यादा अच्छा है, ताकि जब बंदा लास्ट में वो जुमला सुने तो बंदे को पूरी तरह से एतमाद हो जाए, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाए कि अच्छा यार जो जो मैंने बातें बोली थी एग्जैक्टली इसने वही सुनी है, और अगर कुछ गलत भी सुन ली है अगर, ठीक है, तो वो भी उस बंदे को पता चल जाएगी, अच्छा यार मैंने 3 बोला था लेकिन इसने 3 नहीं सुना है, 9 सुना है या 6 सुना है, तो क्या करें, वो फौरी एक्शन करे, जो भी उसको लेना है एक्शन वो फौरी एक्शन वो करे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसको चला के देखते हैं और होटल बुकिंग का इंटेंट दोबारा से हिट करते हैं। अच्छा, अभी मैं डेटाबेस में अगर जाके देखूंगा यहाँ पे इस जगह पे, ये रिफ्रेश कैसे होगा, अच्छा यहाँ पे इसके रिफ्रेश का बटन है जिससे पूरा डेटाबेस रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, आप देखें काउंटिंग के नाम से एक टेबल थी मेरे पास पहले से, अब मेरे पास बुकिंग के नाम से भी एक टेबल आ चुकी है। अच्छा, बुकिंग के नाम से जो टेबल है इसमें मुझे डॉक्यूमेंट के नीचे ना कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं अभी, ठीक है, दिस कलेक्शन हैज नो डेटा, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है अभी, लेकिन कलेक्शन क्रिएट हो चुकी है मेरे पास। अब जैसे ही मैं होटल बुकिंग का इंटेंट हिट करूंगा तो क्या होगा, इसमें डेटा आना शुरू हो जाएगा एक एक करके, ठीक है, ये वो कोड है एग्जैक्टली जिसके अंदर डेटा मैं डेटाबेस में राइट कर रहा हूँ। सेव, और मैं गया टेस्ट के कंसोल पे, मैंने इसको रिफ्रेश किया ताकि शुरू से कर सकूं मैं चीजों को। मैंने कहा ओपन जमाम मलिक। हेलो एंड वेलकम, आई एम वर्चुअल वर्जन ऑफ मिस्टर डॉट इन जमाम मलिक, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क, हाउ मेनी पीपल, 4, What type of room would you like to reserve for 4 person? We have economy, standard and luxury rooms. VIP, okay. When you are coming in our hotel? Tomorrow. Okay. V room for 4 people. How many days? 4 days. अच्छा, ये V room इसने क्यों बोला?
Okay, your hotel booking for four person is completed. इसने वी रूम पता नहीं क्यों बोला. अच्छा यहाँ पे वी शायद गलती से ना वैल्यू में वी लिखा गया है वहां पे, तो इसीलिए जो है ना इसने वी पकड़ा है. ये गैर, मैंने तो वीआईपी सीधा सीधा लिखा था, इसने वी क्यों पकड़ा. खैर पहले तो डेटाबेस में देखते हैं क्या पहुंचा है. यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश का बटन प्रेस करूंगा. रिफ्रेश का बटन जैसे ही प्रेस किया तो इसने रूम टाइप वी और फोर पीपल और ड्यूरेशन P4D ऐसे करके कर दिया. अच्छा इतने में मैं क्या चाहूंगा, मैं जाके देखना चाहूंगा जरा कि यार ये वी क्यों पकड़ा इसने. स्लॉट टाइप्स में जाके एक बार देखता हूँ मैं कि रूम टाइप में मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है. कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके. एक बारी मैं दोबारा ये चला के देखता हूँ और वीआईपी लिख के देखता हूँ कि क्या आ रहा है इसमें. तो टेस्ट वाले पे जाते हैं. Book a room. How many people do you want to book for? Five. What type of room would you like to reserve for five person? We have economy. VIP. Please tell me your check-in date. VIP जब मैं लिखता हूँ ना तो ये test console उसको v.i.p कर दे रहा है. तो इसकी वजह से मैं भी कोई गड़बड़ हो रही है. अच्छा मैं अगर इसकी जगह भी कुछ और बोल दूँ इसको. What is your arrival date? अगर हटा देंगे तो सही हो जाएगा. लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पे VIP ऐसे एंटर किया था. इसने जो है ना VIP को मॉडिफाई कर दिया. Sorry, this is error handler intent. Please try again. को इसने मॉडिफाई कर दिया. मेरे जो क्या कहेंगे उसके, मेरा जो इनपुट था उसको मॉडिफाई किया इन्होंने. अच्छा. Sorry. This is error handler intent. Please try. मुझे पूरा बुक रूम लिखना. How many people? अच्छा how many? मैं शुरू से दोबारा कर रहा हूँ. How many people? मैंने कहा भाई two people. What type of room would you like to reserve for two person? अच्छा इस point. We have economy, standard and luxury rooms. इस point पे मैं एक चीज और यहाँ पे mention करना चाहूँगा. ये तो custom slot type आई नहीं है. अच्छा ये slot type नीचे है ना. देख रहा हूँ स्लॉट टाइप्स का चलेगी. अच्छा आप नोट कीजिएगा यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और इकोनॉमी लिखा हुआ है और वीआईपी लिखा हुआ है, ठीक है. तो अगर मैं उसको बोलता हूँ नॉर्मल तो क्या होता है, ठीक है. ये नोट करने वाला बिहेवियर है कि अगर मैं उसको नॉर्मल बोलता हूँ, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है बट सिनोनियम्स में मौजूद है, तो नॉर्मल जब मैं बोलूँ तो उसको समझना चाहिए स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअल में वो क्या समझता है. मैं नॉर्मल नॉर्मल रूम. Please tell me your check-in date. Today. Okay. Normal room for two people. How many days? Okay. Your hotel booking for two person is completed. अच्छा, मैंने उसको normal बोला ना, तो exactly उसने normal ही समझा. ठीक है, उसने standard नहीं समझा. अब मेरे पास अगर डेटाबेस में तीन कीज हैं, नॉर्मल उसमें है ही नहीं, ठीक है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है. तो मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. अगर अच्छा मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, मैं जितने भी सिनोनियम्स है ना यहाँ पे मेरे, जितने भी सिनोनियम्स हैं वो मेरे पास एक एरे में कोड में भी होने चाहिए कि भाई ये सिनोनियम है, अगर इनमें से कोई बोले तो मैं खुद से उसको समझूंगा कि अच्छा ये स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, ठीक है. तो इस तरह से मुझे उसको भी कन्वर्ट करना होगा, बट वो कन्वर्जन भी अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं. जस्ट यहाँ जहन में बात आ गई तो मैंने बता दिया. अच्छा तो ये डेटा जो है मेरे डेटाबेस में सेव होना शुरू हो गया है. मैंने जो अभी एंट्री मारी है, चल के देखते हैं कि क्या वो भी डेटाबेस में आ चुकी है. ये देखने के लिए मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश का बटन प्रेस करूंगा, तो ये एंट्री भी मेरे डेटाबेस में आ चुकी है और रूम टाइप में नॉर्मल ही लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि गलत है क्योंकि मेरे पास तो तीन टाइप के रूम थे. तो नॉर्मल तो किसी एक का सिनोनियम था, लेकिन नॉर्मल इसने एग्जैक्टली सेव कर दिया, ठीक है जी. अच्छा
एक दोस्त ने सवाल पूछा था बीच में कि यार शॉर्ट लिव्ड को ना मजीद जरा डिफाइन कर दें। सॉरी मैं उस वक्त आपका क्वेश्चन नहीं ले पाया क्योंकि मैं किसी चीज के मिडल में था। अच्छा तो काइंडली अब जरा अपना माइक ओपन करके अगर आप सवाल रिपीट कर सकते हैं अपना तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि प्रॉपर जहाँ आंसर हो जाए। जी दोस्त हमारे साथ मौजूद है वो दोस्त जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि शॉर्ट लिफ्ट को मजीद एक्सप्लेन कर दें। मैं नाम देख रहा हूँ सर। ये शॉर्ट लिफ्ट उस वक्त आपने बताया था ये जब आप कुछ अवेट और उसका बता रहे थे तो वो थोड़ा कुछ समझ नहीं आया था कि शॉर्ट लिफ्ट किसे कह रहे हैं। अच्छा देखिए शॉर्ट लिफ्ट जो है ना वो क्या होता है, जो पहली बात तो लैम्डा फंक्शन का ना ये लिमिटेशन है, लैम्डा फंक्शन की ये लिमिटेशन है कि वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे आप जब हिट करेंगे कोड को वो जब ही पॉप होता है और उसके बाद वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद दोबारा से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना। ये नैनो सर्विसेज जो है हमारी, जो लैम्डा फंक्शन जो है नैनो सर्विसेज, ठीक है, एक होती है माइक्रो सर्विस एक होती है नैनो सर्विस। तो जो आपके जो लैम्डा फंक्शन है उसकी तो ये लिमिटेशन है, ठीक है, कि आप अगर उस सर्वर पे कंटिन्यूअसली कुछ करना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन अदर हैंड हमारे पास जो एक्सप्रेस का सर्वर है वो हमारा एक फुल फ्लैश सर्वर होता है, वो हर वक्त ऑन रहता है, हर वक्त चल रहा होता है, तो आप किसी भी वक्त उसमें कुछ भी करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। आप कुछ स्केजुअल कर सकते हैं कुछ टास्क कि हर 5 मिनट बाद ये काम कर दो, ठीक है, या आप उस पर रियल टाइम के सॉकेट्स लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो कि आप अपने मोबाइल ऐप वगैरह पे अगर आपकी कोई है या कोई वेब एप्लीकेशन है तो उस पर रियल टाइम अपडेट्स आप भेज रहे हो, ठीक है ना। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि ये आप क्या कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन में नहीं लगा सकते, एक्सप्रेस में और इस तरह के माइक्रो सर्विस वाले जो है उनमें आप ये लगा सकते हैं, ठीक है, ये बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात ये कि अब हम, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम लैम्डा फंक्शन में कोड लिखते थे लेकिन अब हम लैम्डा फंक्शन में नहीं लिख रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं एक्सप्रेस के सर्वर में। लेकिन यहाँ पे भी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये शॉर्ट लिव्ड है तो फिर यहाँ पे आने का बेनिफिट क्या हुआ। तो इसका रीजन असल में ये है कि जब हम लैम्डा फंक्शन पे होते हैं तो वहां पे तो लिमिटेशन है लेकिन यहाँ लिमिटेशन नहीं है, लेकिन स्टिल इन्होंने यहाँ पे वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया है एडॉप्टर के जरिए, जो हमने एक्सप्रेस एडॉप्टर इस्तेमाल किया है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि एग्जैक्टली मैं लैम्डा फंक्शन को उठा के जब पेस्ट करूंगा वो चल जाए, मना ना करे वो मुझे, ठीक है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट किया है। अच्छा फिर दूसरी बात यह कि अलेक्सा जो है ना, अलेक्सा को शॉर्ट लिव्ड ही चाहिए फंक्शन। मिसाल के तौर बंदा कुछ बोले पीछे जाके कोड रन हो और उसका जवाब आ जाए उसके बाद वो भले डिस्ट्रॉय भी हो जाए, ठीक है। तो जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं ना उसमें क्या होता है कि जब तक कोई कोड चल रहा होता है, जब तक ही वो रहता है, जैसे ही वो देखता है ना आगे चलाने के लिए कुछ नहीं है तो वो फौरन रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो कॉल बैक वाला जो तरीका है ना वो उसमें काम नहीं कर पाता, कॉल बैक वाला जो तरीका है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एसिंक का वेट इस्तेमाल कर रहे हैं। शॉर्ट लिव्ड का मतलब ये होता है कि जैसे ही जो कोड चल रहा है वो कोड जैसे ही आखिरी लाइन पे पहुंचेगा ना वो फंक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि फंक्शन खत्म तो नहीं होता लेकिन रिस्पांस वापस चला जाता है। रिस्पांस वापस जाने के बाद अगर चले तो हमारे पास वैसे भी फायदा नहीं है। अच्छा स्टिल अगर हमें कोई शॉर्ट लिफ्ट के अलावा कोई चीज करानी है, रियल टाइम सॉकेट वगैरह करवाना है, तो हमें वो कौन सी लाइन पे करना पड़ेगा, ये जहाँ पे अडॉप्टर क्रिएट हो रहा है ना इसके बाद करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा, उससे पहले करेंगे तो हम नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ शॉर्ट लिफ्ट का मतलब क्या है? जी सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी जी प्लीज, हम क्वेश्चन ही ले रहे हैं अभी, ये तो आज की कोडिंग आई थिंक हमने कंप्लीट कर ली है। प्लीज प्लीज पूछे सर। जैसे कि ये हम कोई अगर यूजर गलत रिस्पांस देता है तो वो तो हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, ये तो गलत है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, गलत रिस्पांस कैसे देगा, क्या मतलब? सर जैसे आपने बताया था कि अगर वो उसको समझ नहीं आया तो फिर वो हम यहाँ पर स्पीक आउट में दिखा रहे हैं और वो उसके मुताबिक नहीं हुआ तो ये पहले तो डेटाबेस में ऐड हो रहा है फिर उसके बाद स्पीक आउट हो रहा है। तो जैसे ये v.i.p हुआ था तो उसमें इसको प्रॉम्प्ट करना चाहिए था ना कि ये समझ नहीं आया या कुछ इस तरीके से कुछ। हाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा। असल में टेस्टिंग का ना कॉन्सोल इसी वजह से दिया हुआ होता है कि आप मुख्तलिफ चीजों को ना टेस्ट करके देख लें। अच्छा अब ये अलेक्सा का जो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, ठीक है, वो वी आई पी को क्या कर रहा है, v.i.p कर रहा है, कंसिडर कर रहा है,
ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं गूगल का अगर स्पीच रिकग्निशन सिस्टम चेक करूं कि अच्छा इसी पे पहले माइक से चेक करते हैं ना, वीआईपी रूम, अच्छा यहाँ पे सही वीआईपी, ओके, नॉर्मल रूम फॉर टू पीपल, हाउ मेनी डेज, गिव मी वीआईपी रूम, अच्छा यहाँ सही पकड़ रहा है, जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो वो प्रॉब्लम कर जाता है, जब मैं वीआईपी लिख रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम कर जाता है। सॉरी, दिस इज एरर हैंडलर इंटेंट। टेस्ट कंसोल ने इसीलिए दिया होता है कि आप मुख्तलिफ इस तरह की सिचुएशन, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द रिक्वेस्टेड स्किल्स रिस्पांस। जब मैं लिख रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये अलेक्सा की डिवाइस पे मोस्ट प्रॉब्ली ये सही चलेगा क्योंकि बोल के ये सही काम कर रहा है, ठीक है, लिखने में ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये भी मोबाइल ऐप में भी टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या मोबाइल ऐप में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि टेस्ट कंसोल समटाइम थोड़े से ओल्ड होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी अपडेट होने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कि भाई न्यू रिलीज जो है डिवाइस पे चली गई है लेकिन टेस्ट कंसोल पे नहीं आई। या समटाइम ये होता है कि टेस्ट कंसोल जल्दी अपडेट हो जाते हैं, बीटा वर्जन उसमें आ जाता है लेकिन डिवाइस में वो नहीं गई भी होती, तो समटाइम इस तरह की भी चीजें हो जाती है कभी कभी। तो अगर इसको मोबाइल ऐप में भी एक बार बोल के और लिख के टेस्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो इनका जो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है ना, ये इसको मॉडिफाई करता है, और हमारा जो सिस्टम है उसमें ये वी डॉट आई डॉट पी जो है ना, ये इस हमारे इंटेंट में इसके लिए लिखी भी नहीं है चीज, तो इसलिए इसको समझ नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये रीजन सिर्फ ये है, और कोई रीजन नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि इसको हैंडल हम कर सकते हैं, ठीक है, हमने अभी तक डेलीगेट्स नहीं पढ़े, डेलीगेट्स हम जब पढ़ेंगे तो ये हैंडल कैसे करना है वो हमें पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर जाऊँ ना रूम बुकिंग वाले इंटेंट के अंदर जब मैं जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये डेलीगेट स्ट्रेटजी है, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, ठीक है, हम करेंगे ये डिस्कस इंशाल्लाह, जल्दी करेंगे। तो ये वाली जब चीज हम डिस्कस करेंगे ना, तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि इस तरह की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमारा कोड ऐसा होता है कि वो इस तरह की चीजों को होने ही नहीं देता। अच्छा, लेकिन स्टिल स्टिल ये मैं कंप्लीट करूं, एक चीज और भी है, जैसे मैंने नंबर ऑफ पीपल पूछा हुआ है ना यहाँ पे नंबर वन पे, तो अगर नंबर ऑफ पीपल मैंने पूछा हुआ है और अगर यूजर कोई नंबर बोलता है 5, 10, 15, 500 इस तरह का कोई नंबर बोलता है तो उसको ये पिक कर लेगा। अगर बंदे ने कोई नंबर नहीं बोला ना, कुछ और बोला अगर, तो ये वो पलट पलट के पूछता रहेगा उससे, ठीक है। इसको हम रिप्रोड्यूस भी करके देखते हैं कि अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं और मैं उससे बोलूं कि अभी हुआ तो था, आप उस वो आपको नंबर ऑफ डेज पूछ रहा था, आप उसको वीआईपी कह रहे थे, वो वापस आपको नंबर ऑफ डेज पूछ रहा था। Ask Inzamam Malik to book a room. ठीक है, for how many people? How many people do you want to book for? Want a normal room? जैसे मैंने ये बोला, ठीक है। When you are coming in our hotel? Coming today. Okay, normal room for people. How many days? तो यार ये क्या behavior है इसका? मैंने पीपल बोला नहीं और उसने, ये रिक्वायर्ड है ना, देख लेता हूँ एक दफा। रिक्वायर्ड भी है ये, तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड कर दिया इसने, मैंने उसको कुछ और बोला और वो नहीं, वो एक तरीके से सही लेके आ गया। चलो नीचे वाला जो था, मैंने कहा 4 days, मैंने पीपल अभी तक उसको नहीं बोला हुआ है, मतलब पीपल। ओके, योर होटल बुकिंग फॉर पर्सन इज कंप्लीटेड। अच्छा, क्वेश्चन मार्क उसने पकड़ लिया उसकी जगह पर, उसने जो है ना हाउ मेनी डेज की जगह पे वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क पकड़ लिया, उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या बोला है। खैर, ये हम जब डेलीगेट पढ़ेंगे तो ये डिटेल में डिस्कस हो जाएंगी चीजें, ये मेरा ख्याल है अभी इसमें ज्यादा डिटेल में जाना मुनासिब नहीं है। अच्छा जी सलील, क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा, मैं दूसरी ये पूछने वाला था कि जब हम ये बुकिंग करते हैं होटल की, तो यूजुअली हम यू नो नाइट्स में ये कहते हैं कि मतलब होटल वाला जो होता है वो नाइट्स में याद रखता है कि भाई इतने नाइट्स का, लेकिन बंदा आके कहे तो डेज में भी सकता है, तो वो हैंडल कैसे होगा? हाँ, मैं ये बीच में बिल्कुल बताने वाला था, अच्छा आपने बता दिया। जो अराइवल डेट है ना, इसमें हम सवाल पूछ रहे हैं कि व्हेन यू आर कमिंग, तो इसमें ना टुडे भी बोल सकता है बंदा, टुनाइट भी बोल सकता है, क्योंकि डेट में ना ये दोनों को पकड़ेगा। अगर मैं टुनाइट बोलूंगा तो भी वो समझेगा, मतलब वही अगर अभी
एक मार्च है ना, तो अगर मैं टुनाइट बोलूंगा तो वो एक मार्च ही दे रहा होगा, या अगर मैं बोलूंगा ना टुमोरो नाइट तो वो भी उसको समझेगा। ठीक है, हम टुमोरो नाइट मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा था कि हम कहते हैं कि यू नो हाउ मेनी डेज डू यू वांट टू कम फॉर, तो लाइक इन मतलब अगर ये होटल वाला पूछ रहा होता है तो आप कितने रात के लिए आ रहे हो, लाइक यू नो ही इज बुकिंग फॉर द नाइट्स, गेस्ट आके कहता है कि आई वांट टू बुक फॉर 3 डेज, सो अब हाउ डज दैट 3 डेज कन्वर्ट इनटू 2 नाइट्स इन द बैक एंड एंड वी गेट 2 नाइट्स? नहीं, 3 डेज असल में 3 नाइट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर यूजर आके बोलता भी है कि 3 डेज तो इसका मतलब है वो 3 नाइट्स बोल रहा है, जो क्योंकि अगर booking.com पे हम जाते हैं और हम डेट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो ये नहीं लिखवा रहा होता कि ये डेट है या डे है या क्या है, वो जस्ट डेट सेलेक्ट करवा रहा होता है, तो हम जितने डेट सेलेक्ट करते हैं वो उतनी नाइट्स उसको कंसिडर कर लेता है, तो हम हाँ, लेकिन एक नाइट कम हो जाती है ना, लाइक सो जितने डेज है उससे एक नाइट कम हो जाती है। I don't think so. So, अगर मैं 3 days की booking कर रहा हूँ, sorry to interrupt you. अगर मैं 3 days की booking कर रहा हूँ, तो I am there for 3 days and 2 nights. सही है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि वो 3 days की अगर आप कर रहे हैं, तो वो 3 nights ही बनते हैं। क्यों? मैं हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस चीज को। अगर अभी जैसे 1 मार्च है, राइट? अभी 1 मार्च है। यार ये कैलेंडर को क्या हो गया? मतलब आई थिंक के सलील सही कह रहे हैं कि इसमें नॉर्मली जब हम 3 डेज के साथ 3 नाइट्स बुक करते हैं तो उसमें मेंशन करना होता है कि 3 नाइट्स, अदरवाइज वो 3 डेज और 2 नाइट्स कंसिडर किया जाता है। अच्छा, ये मैं कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करने की, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, बाय द वे ऐप में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, अभी हम ऐप की फ्लेक्सिबिलिटी भी देखते हैं और हम पहले लेकिन ये देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैंने कहा कि आई एम कमिंग टुमोरो, तो टुमोरो का मतलब है कि इस दिन की जो नाइट है ना ये काउंट होगी, ये दिन काउंट तो होगी। अच्छा, मैंने कहा कि आई एम कमिंग फॉर 3 डेज, तो 3 डेज का मतलब ये है कि मैं वेनसडे रहूंगा। ठीक है, वेनसडे को 12 बजे अगर मैं पहुंच जाता हूँ तो दिन काउंट हो गया ये भी। ठीक है, अगर मतलब दिन के हिसाब से देखें तो दिन भी काउंट हो गया, रात तो वैसे ही काउंटिंग में। फिर मैंने कहा 3 डेज के लिए आ रहा हूँ, तो पहला दिन तो मेरा यहाँ हो गया, दूसरा दिन मेरा थर्सडे को हो गया, अब ये तीसरा दिन जो मेरा फ्राइडे को है ना, तो तीसरा दिन जो है अगर मैं इसमें सुबह 10 बजे अगर निकल जाता हूँ तो मुझे इस दिन के पैसे नहीं देने होंगे। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि 3 डेज, तो इसका मतलब है कि 3 डे को मैं रात 8 बजे अगर निकलता हूँ तो फिर ये दिन भी काउंट होगा, मतलब ये रात भी काउंट होगी मेरी। मतलब अगर मैं फ्राइडे को 12 बजे से क्रॉस कर गया तो ये फ्राइडे की नाइट भी काउंट करेंगे, बावजूद इसके कि मैं नाइट स्टे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो नाइट काउंट करते हैं। ऐसा ही है, सही? मतलब अगर आपने उनके इसको, सो यूजुअली जैसे आपने कहा वैसे 12 o'clock अगर चेक इन और चेक आउट टाइम है तो वो लोग सिर्फ नाइट्स काउंट करते हैं। सो दे आर लुकिंग एट कि ओके द पर्सन इज कमिंग हियर, इफ दे चेक इन एट 12 noon, मतलब 12 बजे दोपहर को वेनसडे को चेक इन हो रहे हैं और 12 बजे दोपहर को फ्राइडे को चेक आउट कर रहे हैं, तो 3 डेज और 2 नाइट्स का था पैकेज। एग्जैक्टली। और अगर तो इसलिए मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था, अगर बंदा 3 कहता है तो हम 2 कैसे लेके आते हैं, क्योंकि जो मतलब बैकएंड पे जो होटल मैनेजर बैठा हो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो 3 दिन कह रहा है 4 दिन कह रहा है, उसको लाइक नाइट्स की भी बुकिंग करनी है। मैं बिल्कुल आपका सवाल अंडरस्टैंड हो गया। अच्छा, तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर उसको ना फ्राइडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग निकलना है, 9 बजे उसको निकलना है अगर, तो वो 3 डे नहीं बोलेगा, फिर वो 2 डे बोलेगा। ठीक है ना, बट इसके लिए ये कि जाहिर है बंदा थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई उसने ना पहले होटल वोटल बुक किए हुए हो, थोड़ा ट्रैवल करता रहता हो, तो उसको ना ये आइडिया रहेगा कि अच्छा यार इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन एक आम बंदे को इसका आइडिया नहीं होगा, जैसा कि आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि यार एक आम बंदे को इसका आइडिया थोड़ी होगा कि अच्छा यार ये रात काउंट करते हैं या दिन काउंट करते हैं। जाहिर है हो सकता है कुछ लोग पहली बार होटल बुकिंग कर रहे हो तो उनको तो आइडिया नहीं होगा इस चीज का, तो फिर वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैंने 3 डे बोला है लेकिन ये तो 3 डे का चक्कर नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को फिर ये भी नहीं पता होता कि यार चेकआउट टाइम क्या है किस होटल का, क्योंकि अलग अलग होता है। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि मेरे पास जो स्लॉट मैंने यहाँ पर लगाई है, जो स्लॉट मेरे पास है वो है ड्यूरेशन। ठीक है, अब ड्यूरेशन जो है वो अमेजोन का एक जनरल स्लॉट है, जिसमें अगर मैं डेज में बताऊंगा कि भाई 3 डेज तो वो 3 डेज भी पकड़ लेगा, मैं 3 नाइट्स बोलूंगा तो 3 नाइट्स भी पकड़ लेगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम मेरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं होटल की बना रहा, क्योंकि जाहिर है शुरू में हमने इस तरह बहुत गौर करके नहीं बनाया था,
तो मैंने सवाल क्या पूछा था कि हाउ मेनी डेज, लेकिन यहाँ पे सवाल होना चाहिए हाउ मेनी नाइट्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नाइट्स करूंगा तो मेरा सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा, ठीक है। मैं नाइट्स कर दूंगा, जहां जहां डेज है वहां वहां मैं नाइट्स कर दूंगा। अच्छा, और मैं साथ में एक लगा दूंगा कि भाई आवर चेकआउट टाइम इज 11 AM। अच्छा, कॉमा नहीं आ सकता है, और वो आउट के जगह आवर। हाँ, आवर हु यू आर। नहीं, अभी भी हटा क्यों नहीं है? प्रॉम्प्ट्स कैन कंटेन अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स स्पेस, तो बस सही है ना, अभी हटा तो दिया मैंने। 11 स्पेस एएम, वो 11 के वजह से कह रहा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, नंबर्स भी मना कर रहा है क्या? इंटरेस्टिंग। अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, एक मिनट, 11 की वजह से क्या? 11 मुझे इस तरह करके लिखना पड़ेगा। ओके, परफेक्ट, क्योंकि बोल के बताएगा ये, तो सही है। ठीक है जी, तो ए एम को ए डॉट एम लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वरना वो एम कहेगा। सर, ये कर्ली ब्रेसेस में तो नहीं देना पड़ेगा इसको? कर्ली ब्रेसेस में देखे ये, या वो वेरिएबल है कुछ? नहीं नहीं, ये तो मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लिखना चाहे तो मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ ये बंदे को, बट ये कह रहा है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक नहीं हो सकते ना, तो ये मैं इस तरह करके लिख दूंगा इसको। कर्ली ब्रेसेस सिर्फ वो पैरामीटर्स लेने के लिए है जो 11 इनका मॉडलिंग हो गई एक्चुअली। 11 इन, ओके, तो करेक्ट ना, सही है। 11 इन द मॉर्निंग जो है ना, आवर चेकआउट टाइम इज 11 इन द मॉर्निंग, तो मैं ये भी साथ में इंफॉर्मेशन दूंगा बंदे को कि भाई अभी नाइट्स बोलो आप कितने नाइट्स का है, और जो दिन में 12 बजे हमारा चेक इन चेक आउट टाइम है, दिन में 11 बजे हमारा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क भी इसने बोला कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन मैंने करेक्ट कर दिया, ताकि बंदा जब सुने तो उसको पहले ही से ये पता चल जाए कि ये नाइट्स की बात होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्यूरेशन मैंने आंसर जो किया है ना, उसमें भी मैं डेज लिखा हुआ है, आई थिंक, मैं अभी जाके देखता हूँ कोड में अपने, इसमें भी मैंने डेज लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा, मैंने यहाँ पे, सॉरी नहीं, ये तो कोई और डेज है, मैं होटल बुकिंग के इंटेंट में जाके शुरू से आखिर तक देखता हूँ। अच्छा नहीं, यहाँ तो पर्सन का जिक्र है, डेट का जिक्र नहीं है यहाँ पे। नहीं, मैंने कहीं ना एक और जगह पे भी डे इस्तेमाल किया हुआ है, आई थिंक हमने इसके अटरेंसेस में जवाब में इस्तेमाल किया होगा, उसके जो ड्यूरेशन के जवाब में एडिट डायलॉग करके। नहीं, ड्यूरेशन के बाद तो कोई जवाब और है ही नहीं, ड्यूरेशन के जवाबों में, ड्यूरेशन के एडिट डायलॉग के जवाबों में, लाइक अटरेंसेस वो जवाब जो देता है वो। यस यस, नहीं मगर इसमें डेज का जिक्र नहीं है। अच्छा नहीं है। अच्छा, तो शुरू में जैसे हमने वो पढ़ा था ना, जो थ्योरी पढ़ी थी शुरू में, कि बंदा जो बोलता है ना उसको वो पलट के बताना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसको ये पलट के बताना भी चाहिए मुझे, क्योंकि लास्ट, सबसे लास्ट में मैं यही पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी नाइट्स, ठीक है। तो हाउ मेनी नाइट्स भी मुझे यहाँ पे बताना चाहिए। मैं इस, अभी हमने जो किया है ना, इस ये लाइक यू नो, ये आपने जैसे कहा वैसे ये राइट स्ट्रक्चर है, ये सवाल सही है, लेकिन फिर भी बंदा आके ये कह सकता है कि भाई मुझे 4 डेज के लिए बुकिंग करनी है। तो मैं ये समझना चाह रहा था, अब हमने सवाल तो उसको नाइट्स का पूछा है, उसने 4 डेज का जवाब दिया, तो मैं अब उस 4 डेज को 3 नाइट्स में कैसे कन्वर्ट करूं कि बैक एंड में जब मेरा होटल मैनेजर वो चीज देगा तो उसको 3 नाइट्स ही दिखाई दे। नहीं, अभी मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर बंदे ने, यानी मैंने उसको पूछा है कि हाउ मेनी नाइट्स, तो जब वो सामने से बोलेगा ना कि यार 3 बोलेगा या 4 बोलेगा, तो हम उसको, हम ऐसा समझेंगे कि ये नाइट्स ही बोल रहा है, हम उसको डे के, जब हमने सवाल ही वो पूछा हुआ था। और होपफुली ये ड्यूरेशन का ना मुझे स्लॉट भी चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ये बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछ लिया ना पहले, तो मतलब पहले मेरा सवाल ये था कि हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग, अभी हाउ लॉन्ग में वो 5 मिनट नहीं बोल सकता, ठीक है, ये तो 5 मिनट को भी पकड़ेगा क्योंकि ड्यूरेशन है ये तो, बट वो 5 मिनट नहीं बोल सकता। अब उसके पास द ओनली ऑप्शन ही हैव के वो एक नंबर बोले 3, 4, 5, तो उतने नाइट हो गए,
ठीक है ना। अब अच्छा इसको ना वैलिडेशन कहते हैं, जैसे आप कभी वेब, जब हम बुक में ये देख रहे थे कि वेब का और वॉइस इंटरफेस का वो कंपैरिजन कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि वेब में कुछ चीजें इस तरह होती हैं, वॉइस में ये चीजें इस तरह होती हैं। तो वेब में जब आप फॉर्म खोलते हैं ना, आप ईमेल टाइप करते हैं, तो आपको बताता है यार ये फॉर्मेट जो आपने लिखा है ना, ये दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेट फॉर ईमेल, तो रेड कलर का वो आ जाता है भाई, आपको वो सबमिट नहीं करने देता। तो यहाँ पे ना दिस इज काइंड ऑफ अ वैलिडेशन, कि आप सवाल ऐसा स्पेसिफिक पूछते हैं कि अब वो एक नंबर बोलेगा, नंबर के अलावा उसके पास दूसरे ड्यूरेशन बोलने का ऑप्शन नहीं है। तो अब होपफुली ये ड्यूरेशन में आके मैं क्या करूंगा, इसकी जो टाइप है उसको ड्यूरेशन से हटा के मैं उसको नंबर कर दूंगा, ठीक है, Amazon डॉट नंबर, ताकि मुझे एक नंबर मिले और उसके अलावा ये कोई चीज़ एक्सेप्ट ना करे। और मैंने सेव मॉडल करके और मैंने बिल्ड को प्रेस कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे जब मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि यार वो लास्ट मेरी जो ड्यूरेशन मैंने पूछा है वो मेरा क्या है, वो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फोर, तो मुझे जवाब में ना इसको पलट के बोलना पड़ेगा, अदरवाइज यूजर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार मैंने थ्री नाइट्स बोला है तो उसको समझ में भी आया है कि नहीं आया। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, योर होटल बुकिंग फॉर थ्री persons इज booked फॉर थ्री nights. Your room for three persons is reserved for three nights. This is kind of a correct duration. तो अब इसको कैसे बोलने में आएगा ये, ओके योर रूम फॉर थ्री पीपल इज रिजर्व्ड फॉर थ्री नाइट्स। अब हम इसको एक बार को चलाकर देखते हैं। Asked Inzamam Malik to book room. Okay. Normal room for people. अभी How many days? वो पहले वाला intent भूला नहीं है। पहले वाला intent जो मैं चला रहा था वो इसको अभी तक याददाश्त में बाकी है, मौजूद है। How many people? अब इसने शुरू से स्टार्ट किया। बावजूद इसके कि मैंने पेज पूरा रिफ्रेश कर दिया था, लेकिन ये नहीं भूला। कभी होता है ऐसा भी। ये सिमुलेटर के इश्यूज हैं भाई। तो मेरी रेकमेंडेशन यही रहेगी कि सिर्फ सिमुलेटर पे निर्भर करने के बजाय आप उसको क्या करें, मोबाइल ऐप में भी ना एक बार चलाकर चेक करके देखें, क्योंकि मोबाइल ऐप में जो वर्जन है ना वो एक्चुअली अलेक्सा की डिवाइस वाला है और ये है सिमुलेटर। तो कभी कभी सिमुलेटर में क्या होता है, कुछ वर्जन आगे पीछे हो जाते हैं, फिर जाहिर है सिमुलेटर उस तरह से टेस्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि डिवाइस को तो मिलियंस ऑफ यूजर्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्टिंग के जो कॉन्सोल को जाहिर है उस तरह से इसमें ट्रैफिक नहीं होती, तो इसमें मसले हो सकते हैं। अच्छा हाउ मेनी पीपल, मैंने कहा भाई फोर पीपल। व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू रिजर्व फॉर फोर पर्सन? वी हैव ए What is your arrival date? अच्छा यहाँ पे ना मैं डेट भी बोल सकता हूँ और मैं टुमोरो नाइट भी बोलूंगा तो इसको समझ में आएगा। टुमोरो नाइट, सही है, ये समझ में आएगा इसको। Okay, normal room for four people. How many nights? Our checkout time is 11 in the morning. सही है, how many nights इसने कह दिया। मैंने कहा भाई three nights. Okay, your room for four people is reserved for night. अच्छा अब जाके देखते हैं इसको क्या पता चला। ये है वो चार इनपुट्स जो मिले हैं इसको। अच्छा इसको लास्ट वाला ना थ्री नाइट समझ में ही नहीं आया, हालांकि मैंने सही दिया है इसको, थ्री लिखा हुआ है, स्पेलिंग भी थ्री की सही है, लेकिन इसको लास्ट वाला समझ में नहीं आया कि थ्री नाइट या फोर नाइट क्या है। अच्छा नंबर ऑफ पीपल फोर, रूम टाइप नॉर्मल, अराइवल डेट इसको क्या मिली है, मैंने क्या लिखा था, टुमोरो नाइट लिखा था ना अराइवल डेट में, तो टुमोरो का मतलब है
दो मार्च मेरे हिसाब से, 2 मार्च सही है, तो सही 2 मार्च इसको पता चल गया, डेट बता दी इसने कि भी 2 मार्च है। तो टुमोरो टुमोरो बोलूं या टुमोरो नाइट बोलूं या टुनाइट बोलूंगा तो ये 1 मार्च पकड़ेगा, आज की डेट को पकड़ेगा मेरे टाइम जोन के हिसाब से, जहां मैं बैठा हूँ उस हिसाब से पकड़ेगा ये। ठीक है, हो सकता है किसी जगह पे 12:01 हो चुका हो अभी, यानी अगला दिन दाखिल हो चुका हो, तो फिर वहां पे वो उस दिन के हिसाब से पकड़ेगा। अच्छा, ड्यूरेशन इसको जो ना लास्ट वाला ये समझ में नहीं आया किसी वजह से, हालांकि मैंने लिखा तो सही है 3 नाइट्स, तो हम इसको अच्छा मेरा ख्याल है अभी क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। अब ये छोटे मोटे एरर्स तो ना एलेक्सा में रहते हैं, जैसे 3 नाइट्स मैंने बिल्कुल सही लिखा है लेकिन इसको समझ में नहीं आया, अब आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं आया, होपफुली कि मैं दोबारा चलाऊंगा तो ये बिल्कुल सही चलेगा। तो इस तरह के छोटे मोटे एरर्स हमारे पास आते रहते हैं एलेक्सा के अंदर, ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा देखना पड़ता है। अच्छा, अगला जो हम करने वाले हैं, अब होपफुली ज्यादातर जो एस्पेक्ट है इसका वो कवर हो गया है हमारे अलेक्सा का, अब छोटी मोटी कुछ चीजें रह गई हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि अगली 2 क्लासेस में ना कंप्लीट करके फिर हम एक प्रोजेक्ट की तरफ चलें, एक फाइनल प्रोजेक्ट हम बना लें अलेक्सा के साथ। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमने आज पढ़ा है इसको प्लीज अपने पास आप करके देखिएगा अपने हाथ से, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज अगली क्लास में पूछिएगा, क्योंकि जब आप पूछते हैं तो फिर जाहिर है मुझे मजीद चीजें बताने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें मेरे जहन में नहीं होती है, तो जब आप वो सवाल पूछते हैं तो वो एकदम चीजें पॉपअप होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, तो अगर किसी का मजीद कोई सवाल नहीं है तो आपसे इजाजत चाहूंगा मैं भी। चलिए, कोड में पुश कर चुका हूँ, कर देता हूँ क्लास कोड एंटर सिंक चेंजेस। बाद में वो अगली क्लास में अगर पॉसिबल हुआ तो जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट में, सॉरी मतलब स्टैंडर्ड अलेक्सा स्किल में जो इंटेंट्स बन के आते हैं उनके बारे में एक जस्ट ब्रीफ कॉन्वर्सेशन हो जाए तो दैट विल बी हेल्पफुल। सही है, जो डिफॉल्ट 5 इंटेंट बना के देता है कि वो कब कौन सा इंटेंट चलता है, ये बात पूछ रहे हैं। हाँ, 5 6 7 जो भी इंटेंट देता है वो उसका लाइक यू नो हाउ टू थिंक अबाउट देम एंड हाउ टू यूज देम इन अ स्किल अप्रोप्रिएटली। परफेक्ट। और वो मोमेंट जेएस और इसकी चीजें मैं आपको याद दिला दूंगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्या किया है, अलेक्सा का जो मेरा एक्सपोर्ट था, अलेक्सा के एक्सपोर्ट में मुझे क्या क्या मिल जाएगा, जो मेरे इंटेंट बने हुए हैं ना सारे, वो सारा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैंने इसको कहाँ पे रख दिया, क्लास के कोड में, जो आज की क्लास का कोड है उसके अंदर मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने कहा पेस्ट, तो ये जिप फाइल जो है ये अलेक्सा का एक्सपोर्ट है, जो आज का कोड हमने लिखा है उसको लेकर, और इसको मैं पुश भी कर देता हूँ, मैंने कहा अलेक्सा एक्सपोर्ट। ठीक है, अच्छा एलेक्सा के एक्सपोर्ट में ना लैम्डा फंक्शन भी आ जाते हैं भाई, तो लैम्डा फंक्शन अब उसको इग्नोर करना है आपने, आपने सिर्फ इंटेंट को देखना है, क्योंकि लैम्डा फंक्शन की जगह अब हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस का अपना सर्वर यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको भी मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी अगली क्लास।